हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप लोग मैं दयाल चौधरी टीम से एल आज आपके पास वही केमिस्ट्री पंच का अठारवा एपिसोड लेकर के सामने हूँ इससे पहले अपन ने एपिसोड नंबर पंद्रह सोलवा और सत्रवा कंप्लीट कर चुके हैं इनऑर्गेनिक पार्ट का आज अठारहवें एपिसोड में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसमें भी वही काम है अपना सेवेंटी फाइव क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किए हैं और कोशिश की है कि पूरा का पूरा चैप्टर इसमें लपेट लिया जाए मतलब पूरा रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो देखिए पहला क्वेश्चन द एनाइन ऑफ एसीटिल एसीटोन एसी एसी फॉर्म से ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है किलेट विद द कोबाल्ट प्लस थ्री द रिंग्स ऑफ द किलेटर ये कह रहा है कि एसीटाइल एसीटोन का रिनाइन कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ एक संकुल बना रहा है तो उसमें जो किलेट है ना उसकी वलय है तो देखो सिंपल सी चीज है एसी, एसी क्या होता है सी थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड सीनस सी एच थ्री तो ये आपका लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल आइटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो ये कोबाल्ट प्लस थ्री के साथ क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनता है तो देख लो कितने मेंबर की रिंग बन रही है देखिए ये कार्बन से यूं जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन इधर की तरफ समझ गए होंगे इसका मतलब है ये एक ही मेंबर माना जाएगा तो अपने में मेंबर रिंग बन रही है तो अपना आंसर कौन सा गया थर्ड एक चीज का ध्यान रखिएगा जब भी किलेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा ही स्टेबल होता है जिसमें मेंबर की जो नंबर होती है ना रिंग में वो कितनी हो फाइव क्लियर मतलब सिक्स मेंबर की बजाय फाइव मेंबर वाली रिंग ज्यादा स्टेबल मानी जाती है लेकिन अगर सिक्स मेंबर रिंग में रेजोनेंस आ गया अनुनाद आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है वो ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पे देखो ये रेजोनेंस करेगा क्लियर तो इस वजह से यह क्या माना जाता है इसका जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो फाइव रिंग से ज्यादा स्टेबल माना जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं अमंग फॉलोइंग विच आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स निम्न लिखित में से कौन सा उभदंती एम्बीडेंटेड पहले तो ये देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं ऐसे लिगेंड जिनके पास दो लोन पेयर डोनर साइट होती है लेकिन एक टाइम में एक ही साइड को यूज करते हैं देखते हैं, जैसे NO2 है, ये अपने को दिया है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस तो देखिए इसके पास लोन पेयर होता है तो या तो ये लोन पेयर देने के लिए काम में कर ले या फिर ये नेगेटिव आपका ऑक्सीजन यहां पे लोन पेयर डोनेट करे दोनों एक साथ नहीं करते दोनों एक साथ करते तो बाइडेंटेड हो जाते हैं जितने भी लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं दो डोनर हैं दोनों डिफरेंट होनी चाहिए भाई दोनों डोनर साइट डिफरेंट होनी चाहिए जैसे यहां पे डोनर साइट ऑक्सीजन है यहां नाइट्रोजन है क्लियर है लेकिन एक टाइम में एक यूज होती है तो ऐसे लिगेंड एम्बीडेंटेड होते हैं तो अपन ने इसको देख लिया ये लिगेंड है तो एक तो पहला आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड आ गया एनोथ्री माइनस की मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है राइट right? यह है तो देखिए इसके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं देने के लिए तो यहां पे लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन देंगे तो चाहे कोई सा भी ऑक्सीजन जनरली ये नेगेटिव वाला देगा लेकिन रेजोनेंस के कारण ये घूमता रहेगा तो कभी ये देगा कभी ये देगा क्योंकि नेगेटिव भी मूव हो रहा है लेकिन है तो डोनर साइड ऑक्सीजन ही ना हर बार इसका मतलब ये एमपी वे में काउंट नहीं होगा फिर ईडीटीए की बात कीजिएगा यह आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है इसको वैसे ही आप कैंसिल कर सकते हैं ठीक है फिर ऑक्जिलेट यह आपका बाईडेंटेड लिगेंड है इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं मैंने पहले ही बोल दिया एम्बीडेंटेड लिगेंड सारे के सारे आपके क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है फिर एसियन बिल्कुल इसकी अपन बात कर सकते हैं एसियन की तो यहां पे देखो एक बार तो लोन पेयर डोनेट करने का काम कौन करे नाइट्रोजन करे क्लियर और एक बार लोन पेयर डोनेट करने का काम कौन करे सल्फर करे ध्यान से सुनिजिएगा एक बार लोन पेयर डोनेटिंग का काम कौन करेगा नाइट्रोजन करेगा और एक बार लोन पेयर डोनेटिंग का काम कौन करेगा सल्फर करेगा मतलब ये भी आपका क्या है है फिर इसके पास आइएगा तो यहां पे देखिए इसके पास लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर है समझ रहे हैं तो यहाँ पे भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है ये भी और दोनों साथ करते हैं तो ये बाइडेंटेडेंट है तो ये भी नहीं होगा तो अपने पास कौन सा हो गया एम्बीडेंटेडेंट फर्स्ट एंड फिफ्थ तो ऐसा आंसर कौन सा है थर्ड तो अपन किसके साथ जाएंगे थर्ड आंसर के साथ यहां पे अपन जाएंगे समझ में आया क्वेश्चन नंबर की चलते हैं फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इसको अपन बोल सकते हैं ठीक है इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है इसमें लिगेंड को उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है ठीक है तो वही चीज यहां पे आपको देखनी है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ पार्ट उठा करके आपको यहां दे दिया है अब देखना है कि किसमें किसमेंस सही है तो मैं पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने रख रहा हूं देखो आयोडाइड आयोडाइड से ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा आपका ब्रोमाइड फिर आपका आता है एस सी एन फिर उसके बाद में आपका आता है क्लोराइड फिर उसके बाद में आपका सल्फाइड फिर आपका आता है फ्लोराइड फिर आपका हाइड्रोक्साइड फिर ऑक्जीलेट उसके बाद में आता है आपका एस टू ओ एस टू ओ के बाद में आपका आता है एन सी एस फिर उसके बाद में आपका आता है ई डी टी ए फिर आप ले सकते हो एन एस थ्री उससे स्ट्रोंग हो गया ई एन फिर आपका साइनाइड और ये CO सी ओ तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बना दी है देखो एक चीज का ध्यान रखना ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है मैं थोड़ी बता देता हूँ यहाँ पे बात ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है देखो अगर लॉन पेड डोनेटिंग का काम सल्फर करे ठीक है तो वो वीक फील्ड लिगेंड है और लॉन पेड डोनेटिंग का काम नाइट्रोजन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में चला जाता है आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए क्लियर जनरली ये एक ट्रिक है डायरेक्ट याद करने की बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है ठीक है मैं पहले कह रहा हूं ऐसा कोई रूल नहीं है आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को आइडेंटिफाई करने में अगर दिक्कत है तो बस याद रखिए जिसमें लोन लॉन्पेड डोनेटिंग का, का काम कार्बन करे नाइट्रोजन करे ठीक है तो आप फॉसफोरस करे उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान लेना और जिसमें लोन लॉनपेड डोनेटिंग का, का काम ऑक्सीजन करे या फिर हेलोजन करे या सल्फर करे तो उनको आप वीक फील्ड लिगेंड मान लेना ये एक ट्रिक है इससे आपका सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे ठीक है तो अपने को तो यहां पे देखना है तो देखो सिक्वेंस इसमें से देखो क्लोराइड बिल्कुल सही बात है फ्लोराइड एच टू और साइनाइड तो बिल्कुल आयोडाइड उसके बाद में क्लोराइड क्लोराइड के बाद में बिल्कुल फ्लोराइड फ्लोराइड के बाद में एस टू ओ और एच टू के बाद में साइनाइड आ रहा है मतलब अपना पहला ही एकदम करेक्ट है तो आंसर अपना कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ठीक है ये कह रहा है कि वर्नर थ्योरी के अनुसार कौन सा है देखो वर्नर ने क्या किया था जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दो प्रकार की वैलेंसीज दी थी वैलेंसी फर्स्ट और वैलेंसी सेकंड उसने कहा था कि जो वैलेंसी फर्स्ट होती है जिसको प्राइमरी वैलेंसी उसने नाम दिया था ठीक है तो उसने यह कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ना वो जो सेंट्रल मेटल एटम है आपका उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है क्लियर जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लू मैं आपको देता हूं सीओ सी एल थ्री क्लियर सीओ सी एल थ्री में डॉट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले यहां पर तो कोबाल्ट कोबाल्टी में आ रहा है प्लस थ्री में आ रहा है इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है थर्ड तीन प्राइमरी वैलेंसी क्लियर तो पॉजिटिव होती है मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पॉजिटिव होती है तो हमेशा ध्यान रखें ऑक्सीडेशन स्टेट की प्राइमरी वैलेंसी वो हमेशा ए नाइन के द्वारा बैलेंस्ड होंगे फिर उसने बताया सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे वह आप ये ध्यान रखना जैसे इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो सिक्स है मतलब ये सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी सिक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो हमेशा जब कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैं लिख रहा हूं उसी से एस टू ओ सिक्स ये योन इसको रिप्रेजेंट करेंगे मतलब प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और जो सेकेंडरी वैलेंसी उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और आप जहां तक जानते हैं जब इनका आयनाइजेशन करेंगे एक्वस मीडियम में इसको लेके जाएंगे तो आयनाइजेशन हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर का होता है तो जब इसको एक्वस मीडियम में लेके जाओगे आप तो क्या होगा +3 +3 Cl आयनाइजेशन किसका हुआ सिर्फ बाहर वाले का

लिगेंड होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ आयंस गिवन है बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ आयंस बताने हैं कितना सिंपल सवाल है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्नर थ्योरी बताई थी मैंने क्या कहा था एक्वस मीडियम में ले जाएंगे तो आयनाइजेशन सिर्फ किसका होगा आयनाइजेशन स्पेयर का ठीक है इसको मैं सीधा एक्वस मीडियम में लेके जाता हूं तो क्या होगा कोबाल्ट एन एस थ्री फोर सॉरी सी एल टू राइट तो ये प्लस प्लस सी एल है माइनस तो एक आयन तो ये हो गया और एक आयन ये हो गया क्लियर अब ये अंदर है प्राइमरी है जो सेकेंडरी की तरह काम आ रही है आप लेकिन स्क्वायर ब्रेकेट के अंदर आगे उसका आयनाइजेशन होता ही नहीं तो एक आयन तो ये हो गया और एक आयन ये हो गया तो नंबर ऑफ आइन आपके क्या होंगे दो तो कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट इज करेक्ट समझ में आया आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते ओके अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन अमोनिया क्या करता है कॉपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है क्लियर विद कॉपर आयन ठीक है इन एल्केलाइन सोल्यूशन बट नॉट इन ये कह रहा है कि कॉपर के साथ एल्केनाइन जो जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है मतलब जो है मतलब बेसिक उसमें तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में व्हाट इज द एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं कर पाता है इसका रीजन क्या है देखो अमोनिया में कॉपर छारों के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना रहा है लेकिन अम्लीय विलयन में ऐसा नहीं करता है तो ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं अगर आप अमोनिया को एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो इसके पास क्या है, लोन है। वो लोन इसको ये सेर कर देगा। तो क्या बन जाएगा एन एच फोर प्लस अब एनएच फोर प्लस बन गया इसके पास लोन पेयर है नहीं देने के लिए इस वजह से ये नॉट ए लिगेंड ये लिगेंड ही नहीं है और नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा बात समझ में आ गई? अमोनिया क्या करता है एसिडिक मीडियम में प्रोटोन गेन कर लेता है एच प्लस और एन एच फोर प्लस अमोनियम आयन बना लेता है और अमोनियम आयन के पास पेयर नहीं होता है जिस वजह से यह कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है तो आ जाओ इन एसिडिक सोल्यूशन हाइड्रेशन प्रोटेक्ट्स कॉपराइन ये कह रहा है कि अम्लीय विलियनों में जलयोजन कॉपराइनों को रक्षा करता है मतलब उनको कवर कर लेता है मतलब कॉपर प्लस टू आइन उसके चारों तरफ जल के अणु अटैच हो जाएंगे इसलिए अमोनिया को अटैक के लिए जगह नहीं मिल पाएगी क्लियर तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ठीक है क्योंकि अमोनिया तो वहां है नहीं एसिडिक मीडियम में तो अमोनियम आयन बन चुका है फिर आगे चले इन एसिडिक सोल्यूशन प्रोटोन से कोर्डिनेट विद अमोनिया वही बात आ गई कि जो अमोनिया है वो प्रोटोन के साथ कॉर्डिनेट हो चुकी है मॉलिक्यूल्स फॉर्म अमोनियम और क्या बना लेता है अमोनियम देखो अपना बिल्कुल सही जा रहा है अमोनियम आयन बन चुका है से. NH3 इस से NH3 तो इस वजह से नहीं बन पाएगा अमोनियमियनो में अमलीयनो में प्रोटोन अमोनिया अणुओं के साथ उससे संयोजित होकर अमोनियम आयन बना लेता है अमोनियम आयन कोई लिगेंड है नहीं और तो पूरा अमोनिया तो कंज्यूम हो गया और अब प्रजेंट है नहीं तो इसका मतलब आपका कौन सा आंसर हो गया सेकंड। फिर अगला कह रहा है इन कॉपर हाइड्रोक्साइड इज विद विथ इज सोल्यूबल इन, इन, इन एक्सेस ऑफ एनी एल्केलाइन छार विलियनों में अविले कॉपर हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है जो किसी भी छार की अधिकता में विलय एक मिनट फोर्थ आंसर ये हो गया हाइड्रोक्साइड एन एम हाइड्रोक्साइड देखो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया और कोपरा हाइड्रोक्साइड एन एम फोटेरिक एम फोटेरिक होता ही नहीं है कोपरा हाइड्रोक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड सिर्फ डीपलोक में जिंक हाइड्रोक्साइड और एम्फोटेरिक होगा इसके अलावा और भी होंगे लेकिन वो हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड होंगे कौन से जिनमें इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लियर तो ये बात भी आपके स्टेटमेंट तो अपना आंसर तो सेकंड चला गया जब आप कंपटीशन में करते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सेकंड आंसर मिल गया वहीं से आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ वहां पे टाइम होता नहीं है क्लियर समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ओके गिवन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हेग्जा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एक हैक्जा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ठीक है और ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे दिया गया सॉरी oh, ठीक है ये आपको फॉर्मूला दे दिया और बी के लिए फॉर्मूला दे दिया ये। और सी का फॉर्मूला दे दिया आपको ये। इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एनएस मोलिक्यूल इन ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर सिक्स फाइव एंड फोर द प्राइमरी वैलेंसी इन ए बी सी देखो भैया ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्लियर ये कह रहा है आपको पहले तो ये आ गया देखो सबसे पहला ये इसको बनाओ आप कोबाल्ट Cl3 एल थ्री डॉट ध्यान से समझना इस चीज को तो ये कह रहा है कि उपसैसिक संकुल अणु दिए गए हैं जिसमें छह उपसैसिक संकुलों के अणुसूत्र दिए गए हैं ठीक है ये आगे B तथा C में उपसैसिक एन की संख्या क्रम से छह पांच तो ए बी से प्राइमरी वैलेंसी तो मैंने इसको ज्यादा सोचना ही नहीं है प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है भाई अभी बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के आई ना बात समझ में प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगी तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी है कोबाल्ट की यहाँ पे प्लस थ्री तो इसके लिए प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई थर्ड दूसरे सवाल की तरफ आ जाओ दूसरा सवाल ये दे दिया तो सी डॉट फाइव एन थ्री सही है ना तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेज निकालो कोबाल्ट प्लस थ्री तो इसके लिए भी प्राइमरी वेलेंसी क्या हो गई थ्री हो गई क्लियर फिर आगे सी के पास आ जाओ तो ये आ गया कोबाल्ट बी एल थ्री डॉट फोर एन एस थ्री तो इसके लिए भी कोबाल्ट कौन सी में प्लस थ्री में तो प्राइमरी वेलेंसी इसके लिए भी क्या हो गई थ्री हो

ये सीखा हो गया तो सिर्फ बाहर नंबर ऑफ बस कि जो स्टेट है, है तो अपना कई बार जल्दी में क्या कर देते हैं अच्छा इसमें नंबर ऑफ आइन बाहर थी नहीं यहां पर दो क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी बाहर होती है इसमें एक है तो अपन इसके साथ चले जाते हैं तो वो गलत हो जाता है अपने को ऐसा नहीं करना है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फॉलोइंग इज ए नेगेटिवली चार्ज लिगेंड आपको निम्नलिखित में से ऋणावेश करना है बिल्कुल आ जाओ डाइमे ग्लाइग्जीटो क्लियर देखो अगर आपको ऐसे में किसी के साथ दिक्कत ना तो आप जो गलत है ना उनको काट दिया करो ठीक है जैसे अब यह आ गया डायमेथिल ग्लायोगओग्जिमेटो ठीक है तो इसमें तो आपको पता है क्या होगा यह आपका CS3. सी है स्त्री सी डबल बॉन्ड एन माइनस डबल बॉन्ड एन डाइमिंग ग्लाइऑक्जिम था एच एच अटे तो डाइ ऑक्ट हो गया ये यह है और कैसा है ऋणावेशित है तो पहला ही राइट हो गया साइनो ये लो ये तो मोनोडेंटेड है गया फिर इथेलीन डाइमिन तो ये लो एन एच टू एन एच टू बिल्कुल लेकिन अगला कैसा बोल रहा है नहीं चाहिए ये न्यूट्रल है इसकी है तो ये भी गया फिर एसीटेटो तो जो एसिटिक एसिड होता है ना उसी से एसीटेटो बोल रहा है ठीक है एच गया तो एसीटेटो एन हो गया तो इसके लिए तो एक ही है, तो है। एनाइनिक तो है

में so right? में ले जाओ। तो double salt है। double salt क्या करता है? जैसे water में dissolve करोगे, वो अपनी टेस्ट देगा जिनसे वो बना है तो वाटर में जैसे ले जाओगे तो ये पोटेशियम प्लस आयन एक्वस मैंने यहां मीडियम लिख दिया अब यहाँ एक्वस मेरे को लगाने की जरूरत है नहीं फिर तीन चार चार सल्फेट आयन हो गए और दो एल्यूमिनियम प्लस थ्री आइन्स हो गए तो क्या फर्क पड़ता है आपको सिर्फ देखना है केटाइन कितने टाइप का है दो टाइप का एक टाइप का एन आइन टोटल कितने टाइप के आयन हो गए तीन टाइप के हो गए तो आपको क्या करना है तीन प्रकार के आस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द आईपीसी नेम ऑफ के फोर एपीसी आ जाओ फॉर एफ एन सिक्स क्लियर तो देखो सबसे पहले तो क्या किया जाता है इनका नाम वैसे ही लिखेंगे जैसे एक सोल्ट का नाम लिखा जाता है सोल्ट में क्या करते हो भाई पहले कैटाइन स्पीसीज का नाम लिखते हो और फिर एन स्पीसीज का और नंबर ऑफ आयन शामिल नहीं करते तो आ जाओ पहले तो क्या लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा पोटेशियम मत कर देना क्योंकि मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ आइन शो नहीं करते फिर इस पे दे दो कॉम्प्लेक्स का नाम तो कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाता है लिगेंड फॉलोड बाय मेटल मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखना है उसके बाद में मेटल का नाम लिखना है तो लिगेंड कौन है साइनो राइट अब कह कितने हैं छह हैं तो इसके नंबर शो कर दो हेक्सा साइनो या आजकल साइनाइडो बोला जाता है इसको साइनाइडो भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? फिर स्पेस नहीं देंगे कॉम्प्लेक्स का जब तक नाम लिखेंगे ना इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले का कंटिन्यूसली चलेगा क्लियर अब उसके बाद में आयरन है तो अब आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है कि अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स ए है तो सेंट्रल मेटल का लेटिन नाम लिखना है आपको और उसके लास्ट में एट जोड़ देना है और अगर कॉम्प्लेक्स आपका केटाइनिक है या न्यूट्रल है तो आपको इसका सामान्य नाम ही लिखना पड़ेगा जैसे इसको आयरन लिख दूंगा समझ रहे हो तो पहले तो इसका पता करेंगे पता कैसे करें एक्वस मीडियम में ले जाओ एक्वस मीडियम में जैसे लेके जाएंगे एफ सी एन सिक्स माइनस फोर तो पता चल गया ये ए कॉम्प्लेक्स है तो यहां पे क्या लिखा जाएगा फेरेट, फेरेट फिर जो भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन डिजिट में लिख दी जाएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कैसे निकालोगे? तो इसका हो गया। एक पोटेशियम तो का, का तो 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 डिजिट में यहाँ देख लो कौन सा मैच कर रहा है साइनो फेरेट सेकेंड तो अपना ये सही हो गया फर्स्ट आंसर इज करेक्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नॉमिन कल्चर है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम्ड एज तो सबसे पहले तो आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल सी चीज है समझ रहे हैं तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ये ध्यान रखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर जो आयरन होता है ना वो प्लस टू में होता है एक नाइट्रोसिलइन होता है और ये साइनाइड होता है ठीक है सोडियम आयन होता है तो देखो ये होता है इसका फॉर्मूला एन ए टू एन ओ आ गया सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड सॉरी फाइव यहां क्या आएगा फाइव तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेज निकालो पहले तो 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 इसका तो टू हो गया प्लस गया पता चल ना अब यहां पर देख केटाइन होगा ना तो हमेशा है, के के है तो समझ लेना वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और बाहर कुछ नहीं है इसका मतलब वो न्यूट्रल है तो अब आपको हर बार इसको वाटर में डिजोल्व करने की जरूरत नहीं है आप देखते जैसे इसमें बाहर की तरफ क्या है अगर इधर सल्फेट वगैरह कुछ लगा होता तो इसका मतलब ये केटाइनिक हो जाता सिंपल सा तो आईपीसी नेम करें तो पहले तो सोडियम तो बिल्कुल सोडियम फिर इनके पास आओ तो देखो नाइट्रोसिल में n आता है और साइनो में सी आता है तो पहले किसका नाम आएगा अल्फाबेट्स में सी, कितने पांच पेंटासायनो तो पेंटासायनो ये है और पेंटासायनो ये है। दो ठीक जा रहे फिर NO+ है तो इसको नाइट्रोसिलियम बोला जाता है या नाइट्रोसिल तो नाइट्रोसिल ये भी सही है फिर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है फेरेट तो बिल्कुल फेरेट सही है फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है इसमें तो प्लस थ्री है तो यह गलत हो गया और यह प्लस टू है यह सही हो गया तो अपना आंसर कौन सा चला गया फोर्थ राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इन एसिडिक मीडियम एच एस चेंज सीआर टू सेवन माइनस टू सी आर ओ फाइव यह कहता है कि एसिडिक मीडियम में एस टू ओ टू को क्रोमियम पैंट ऑक्साइड में आपका बदलता है ठीक है विच गैस टू ओ ओ बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन सी आर ओ फाइव इज ये कह रहा है कि एस टू ओ टू डाइक्रोमेट को सीआर में बदल देता है जिसमें दो प्रो लिंकेज है किया जाए किसमें इसमें तो यह कह रहा है कि सीआर फाइव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बिल्कुल सिंपल सी चीज स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके और ये ब्लू कलर का होता है ये ध्यान रखना कैसा होता है ब्लू कलर तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हो गई ठीक है तो देखो एक बॉन्ड टूट रहा है इसकी वजह से इधर एक प्लस एक माइनस इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है इसकी वजह से इधर एक प्लस एक माइनस अब यहां पे दो तो इस पर माइनस दो तो इस पर है प्लस दो तो। फिर ये प्लस ये माइनस ये प्लस सॉरी ये माइनस और ये प्लस अब प्लस गिन लो वन टू थ्री फोर फोर और टू सिक्स तो प्लस सिक्स में है यह बिल्कुल सिंपल सी चीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए डाई एमिन सिल्वर है फर्स्ट तो देखो अब क्या करना है आईपीएस नेम दिया है और उसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है वही केटन का नाम अलग अलग लिखे कॉम्प्लेक्स का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे तो देखो इधर आओ सबसे पहले है. अब इसमें क्या करेगा मेटल फॉलोड बाई लिगेंड अब मेटल का पहले नाम लिखना है तो मेटल देखो कौन है सिल्वर तो मैंने लिख दिया एजी फिर डाइएमीन है तो एन है ठीक है इस पर चार्ज मान लो क्या है, है. एक्स है तो सी एल माइनस हो गया डन अब इधर एक्स की वैल्यू निकालनी अपने को तो कैसे निकालोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या दी है वन तो वन मान लो इसके आपको पता है कितनी होती है अमोनिया की जीरो इजगस्टू क्या है एक्स तो एक्स इज गया भाई वन प्लस का तो बस ये रहा इसको क्या करोगे ए जी एन एच थ्री टू प्लस सी एल माइनस तो इनको जोड़ के लिख दो चार्ज क्रॉस कर दो एक दूसरे के साथ तो क्या आ गया एजी एन एच थ्री टू सी एल राइट तो अपना फर्स्ट आंसर हो गया देखो ऐसे तो आप वैसे ही काट देना क्योंकि अमोनियम लिगेंड ही नहीं है क्लियर जैसे ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी दो होती है तो कुछ तो ऐसे ही कट जाएंगे समझ रहे हो ना ये चीजें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए पता चल जाएगा ये तो प्लस टू का है तो ये भी गया तो वो चीजें हैं कई तो आंसर वैसे ही कम हो जाएंगे क्लियर फिर आ जाए ऑफ आयरन इन पोटेशियम फेरी साइनाइड फेरी का मतलब होता है एफ ई प्लस थ्री और आर फेरो, एफ फेरो इसका मतलब होता है एफ ई प्लस टू डन तो इसमें आपको बताना है ई एन क्या है ई एन का मतलब होता है इफेक्टिव एटोमिक नंबर तो देखो इधर आओ पहले क्या करना है पोटेशियम साइनोफेरेड होता क्या है फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए तो एफ ई सी एन सिक्स ए थ्री हो गया प्लस थ्री में है ना ये प्लस थ्री में है ना तो ई एन कैसे निकालते हो ई एन आपका होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर प्लस जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये लो तो आ जाओ इसका निकालें आयरन का एटोमिक नंबर कितना होता है सिक्स 26 अब इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेटिस के माइनस कर दो कितनी थी माइनस -3 डन प्लस टू 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएगा? एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो छह कितने बना देंगे छह, तो ये लो तो 26 में से 3 गया तो 23 प्लस 12 है तो कितना आ गया 35 तो आंसर कौन सा आ गया 35 ठीक है अगर ई ए एन ई एन रूल सुनना तो ये तो आएगा ई ए एन का पता तो चले गया ना इ एन रूल इसमें ये ध्यान रखना अगर ई e एन की वैल्यू इनर्ट गैस के आइटोन के नंबर के इक्वल आ जाए जैसे दस एटीन है ना थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटी सिक्स तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है होते हैं ठीक है अगर उन्हें कहा जाता है कि ये ई e एन को फॉलो कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या ई e एन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा क्योंकि थर्टी फाइव ही है थर्टी सिक्स के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब ये कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है तो ये ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है खैर अपने को तो ई पूछा था ई आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन लो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी आयरन की बिल्कुल सिंपल सा एक्स मान लो एस टू तो की जीरो होती है आयरन के कॉम्प्लेक्स में एनो हमेशा एक पॉजिटिव लिगेंड का काम करेगा तो इसको प्लस वन सल्फेट की कितनी थी माइनस टू ओवरऑल क्या आ गया जीरो तो अक्स टू क्या आ गया प्लस वन तो अपना आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट मोलर कंडक्टिविटी एक चीज का ध्यान रखना जिसके पास नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी सिंपल सी चीज है

पहले प्लेटिनम मैंने पहले कहा था कहा था कि नहीं कहा कि जब आईपीसी नेम से फॉर्मूला बनाते हैं तो मेटल को लिगेंड फॉलो करेगा मतलब पहले मेटल लिखने है। फिर डाइ एमिन क्लोरोलोरो सी एल टू फिर आपका क्या है प्लेटिनम कौन सी फिर आ जाए स्टेट निकालिए तो यहां पे एक्स की वैल्यू निकालिए एक्स की वैल्यू क्या होगी ठीक है और यहां पे देखा जाए तो ये टू में है ये जीरो ये माइनस टू इस टू एक्स तो टू क्या गया? जीरो। इसका मतलब ये है क्योंकि ये जीरो वैल्यू इसके साथ लग जाएगी देखो ये तो निकाल ही लिया ना तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या हो गया ये जीरो लग गया है इसका मतलब ये लो आयन है नहीं ये तो न्यूट्रल है ना आयन तो है तो है ही नहीं, पर जीरो है फिर आ जाओ दूसरे के पास तो इसमें क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट बना भाई। फिर -एमीन है। कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर एक्स मान लो और ये सी एल माइनस है क्लियर अब एक्स की वैल्यू निकालो कोबाल्ट में है थ्री में है। इसका क्या आ जाएगा जीरो माइनस टू टू एक्स तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस वन तो फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा कोबाल्ट बाल्ट एन एस थ्री फोर सी एल टू सी एल तो, एल. तो इसको एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे तो कितने आयन देगा कोबाल्ट बाल्ट एन एस थ्री फोर सी एल टू प्लस प्लस सी एल माइनस तो एक आयन तो ये, एक ये. कितने आयन देगा दो तो इसके पास नंबर ऑफ आइंस कितने हैं दो क्लियर फिर आ जाए किसके पास थर्ड के पास तो थर्ड वाला बनाए तो क्या है क्रोमियम क्रोमियम है है बिल्कुल बिल्कुल सही तो एस टू ओ ये ले भैया चार्ज एक्स और ब्रोमाइड ये हो गया तो एक्स की वैल्यू निकालो क्रोमियम किस में ऑक्सीडेशन स्टेज में देखो प्लस थ्री में ना तो थ्री प्लस जीरो एक्स। तो एक्स की प्लस थ्री आएगी तो फॉर्मूला क्या बन गया क्रोमिया में h2o 6 br 3 ये +3 3 इसके साथ लग जाएगा तो इसके एक्वस मीडियम में लेके जाओगे तो क्या बनेगा क्रोमिया में h2o 6 +3 +3 br तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए एक तो ये रहा और तीन ये रहे तो ये इसके पास हैं नंबर ऑफ है, आयंस 4 तो अब तक में तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस इसी की आ रही है नेक्स्ट फिर आ गया आपका पेंटा कार्बोनिल आयरन तो फोर्थ वाला अगर मैं यहां बना देता हूं भाई फोर्थ वाला तो क्या है आयरन आयरन है तो एफ पेंटा कार्बोनिल तो सीओ फाइव ऑक्सीडेशन स्टेज जीरो है, इसका भी जीरो है तो चार्ज वो जीरो नंबर ऑफ आइंस यहां पर भी क्या हो गए जीरो तो अपना कौन सा आंसर आ गया थर्ड आ गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अपन चलते हैं इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज जीरो आपको ये देखना है कि किस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की जीरो है तो आ जाओ ये लो सीधा ही आंसर है कार्बोनिल में हमेशा जीरो ही मिलती है तो ये तो सीधा ही मिल गया मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जीरो खैर फिर भी देख ले तो आ जाओ यहां से प्लैटिनम की आप क्या मान लो x मान लो सबकी अलग-अलग मेजर कर देते हैं ठीक है ये आ गया फर्स्ट प्लेटिनम की एक्स मान लो मान ली अमोनिया की जीरो होती है ये माइनस टू इज गज टू जीरो तो अक्सिज गज टू क्या आ गई प्लस टू तो ये लो ये तो प्लस टू में फिर इसके पास आ जाओ क्रोमियम की एक्स मान लो ये थ्री माइनस थ्री इज टू सॉरी ये जीरो इसकी जीरो होती है इनकी माइनस थ्री एक की माइनस वन है तो तीन की माइनस थ्री तो अक्सीज टू क्या आ गया प्लस थ्री तो ये प्लस थ्री में यहाँ पे आ जाओ क्रोमियम की एक्स मान लो आगे वाले की जीरो होती है

इसके अंदर कोबाल्ट के लिए बताना है तो आ जाओ सिंपल सी चीज पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले x इज गज टू एक्स माइनस सिक्स इज गज टू माइनस टू तो x इज गज टू क्या आ गया प्लस फोर कोबाल्ट यहां किस में है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है तो फिर ई निकाले तो ई निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा z कोबाल्ट का कितना होता है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन में से ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दूं भाई Z फॉर्मूला पीछे लिखा था ना वहां से देख लेना प्लस है, टू इन टू है? है। तो, तो, तो आपका आंसर कौन सा हो गया फोर एंड थर्टी फाइव बिल्कुल सिंपल सी चीजें यह आपको बस है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द आईपीएससी नेम ऑफ आई लो इसका सी नेम देना है क्लियर तो ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल सा तो ये होता है चार्ज कैसे हो तो देखो यहां पे कोई भी काउंटर आइन नहीं दिखा रखा है इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा ये यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है तो देखो यहाँ पे भी कोई काउंटर आइन नहीं दिखा रखा यहाँ पे भी कोई काउंटर आइन नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा है। मतलब है, इन दोनों का चार्ज इक्वल है समझ रहे हो ना तो चार्ज इक्वल कैसे होगा इसमें तो सारे न्यूट्रल है ना इसमें सारे एन है इसका मतलब जो भी ए है ना उनके चार्ज को आधा आधा कर दो तो इसका एक ऑक्जिलेट का कितना होता है माइनस टू समझ रहे हैं ना एक का कितना होता माइनस टू तो तीन का कितना हो गया माइनस सिक्स वाला केटाइन होता है तो सिक्स का आधा थ्री थ्री तो पहले वाला केटाइन होता है बाद वाला ए होता है बस सिंपल सा क्लियर अब आ जाओ इसको तो कैसे करेंगे पहले वाले का एग्जा इसको पहले देखो एक्वस मीडियम में ले चलो ताकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज का पता रहे तो इसको एक, एक्वस मीडियम में लेके चलेंगे तो कोबाल्ट प्लस प्लस कोबाल सी टू ऑफ और थ्री माइनस थ्री हो गया अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेज निकालना आपको मैंने सिखाई दिया तो जैसे ही निकालोगे इसकी तो प्लस थ्री आएगी और इसकी भी प्लस थ्री आ जाएगी अब नाम लिख दो पहले केटाइन का नाम लिखना है फिर एनाइन का नाम लिखना है तो हैगजा एमीन, तो हैगजा ठीक है फिर कोबाल्ट क्योंकि कोबाल्ट ही लिखा हुआ क्योंकि ये नहीं है तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशनि थर्ड है थर्ड सही है फिर ट्राइ बिल्कुल तीन है तो ट्राइ समझ रहे फिर क्रोमियम ये गलत हो गया यहां पर क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि ए नाइन है तो क्रोमियम नहीं क्रोमेट आएगा चलो आगे आ जाओ तो हेक्जा एमिन डाई कोवाल्ट ये तो ठीक जा रहा था इसी की तरह यहां तक तो ठीक है फिर ये आ गया क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है तो अपना ये आंसर सही हो गया बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है आपको कुछ नहीं करना है बस रूल फॉलो करते चलो हो जाएगा क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है द वैल्यू ऑफ एक्स इन क्रोमियम है, ये लो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे दिया और एक्स की वैल्यू पूछिए है। क्लियर है तो एक्स की वैल्यू यहां पे ठीक है तो बिल्कुल सिंपल सा जो कार्बोनिल होते हैं ना वो हमेशा ई एन रूल को फॉलो करते हैं किसको फॉलो करते हैं ई एन रूल को तो आ जाइए यहां पे क्रोमियम के लिए वही ईएन की मैं बात करूं तो वैसे तो एक्स की वैल्यू पूछिए तो इसमें कुछ करना ही नहीं है ये ये इनको भी छोड़ो आप बिल्कुल सिंपल सा ये कर लो ना एक्स की वैल्यू ही तो पूछिए ना आपको तो ये चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स ही है ना चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है चार्ज ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड बस यही तो करना है आपको तो इसका चार्ज क्या है जीरो इसका कितना है जीरो तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई जीरो बस वेरी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक ट्वेंटी टू द आईपीएससी नेम ऑफ ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आईपीएससी नेम तो यहां पे देखो एक मिनट इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत कर रखा है भाई मैं ठीक कर देता हूं इसको यूं लिख लेना आप के टू सी आर सी एन टू और टू बिल्कुल सही O2, एन ऐसे लिखा जाएगा ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये ऐसे कैसे तो देखो आप समझो पोलियटोमिक आयन को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है लिगेंडो में ये ध्यान रखना तो आपका प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड पोलियटोमिक आयन होता है तो ऐसे लिखा जाएगा ये हमेशा इसका मतलब है परोक्सो या फिर सुपर ऑक्सो है अगर इस पर और टू माइनस चार्ज है तो यह सुपरोगे पर लेकिन अगर आपके पास यू आ गया समझ रहे हो तो इसका मतलब होता है डाई या डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो मतलब ये ऑक्साइड की बात कर रहा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्लियर तो आ जाओ अब आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये तो डाइ है लेकिन ये प्रोक्साइड भी हो सकता है सुप्रोक्साइड भी हो सकता है तो कैसे पता चले तो आ जाओ बिल्कुल सिंपल सा तरीका है यहां से अपन इसका पता लगा सकते हैं क्लियर ये आपके नाम दे रखे हैं तो इनमें देखो सब में ऑक्सीडेशन स्टेज सिक्स दे रखी है तो इसका मतलब आपका मेटल सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेज में हालांकि ये भी गलत होता है साथ में बताया जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेज है नहीं तो सब में सेम मिलेगी आपको तो यहाँ से पता चल जाएगा ये सिक्स है तो यहाँ से आ जाओ ये तो के, के टू तो इसकी तो मान लो टू इसकी सिक्स है ये माइनस टू है फिर डाइ का मतलब एक पर माइनस दो तो दो पर माइनस चार है इसकी मान लो कि एक्स है इसके और आगे वाले की जीरो है इजगस टू तो जीरो तो ये कितना आ गया तो यहाँ से सॉल्व कर लो चार दो छे, छे तो ये कितना आ गया टू तो ये क्या आ गया टू प्लस एक्स इज जीरो तो एक्स इज गाइनस टू इसका मतलब ये क्या है ओ टू माइनस टू है इसका मतलब ये क्या है परोग है बात आ गई समझ में बिल्कुल सिंपल सा अब आ जाओ यहां पर तो नाम पोटेशियम पोटेशियम फिर आगे क्या दे रखा है अल्फाबेट से आ जाओ एमिनो तो एमिन बिल्कुल फिर डाइसाइनाइडो बिल्कुल सही डाइसाइनाइडो फिर डायओग् फिर परोक्सो बिल्कुल परोक्सो दिख रहा है ना परोक्साइड तो था क्रोमेट तो बिल्कुल क्रोमेट सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट सिक्स तो अपना कौन सा सही हो गया फर्स्ट सही हो गया ये वाला यहां तक ठीक जा रहा था देखो परोक्सो डायग्जो तो ऐसम देखो ओ पी परोगजो बाद में आता है तो इसने जो पहले लिख दिया एल्फाबेटिकली भी तो कोई चीज होती है ना उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है इसलिए इसको गलत किया है पहले क्या आना चाहिए था डाइऑक्सो क्लियर फिर पोटेशियम एमिनो फिर डाइसाइनो नहीं लगाया और यह भी गया इसमें भी डाइसाइनो नहीं लगा रहा क्लियर फिर अमोनियम है परोगजो तो ये पी पहले आ गया साइनो बाद में जा रहा है तो कुल मिलाकर के इसमें अगर ये क्रोमेटिक कर दिया इसको तो कई सारे एरर है तो अपना कौन सा सही है आपका फर्स्ट सही है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं तो इनको करने का सिंपल सा तरीका इसको तो मेटल को एम से मान लो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है कितने है? दो है ये दूसरे टाइप का मोनोडेंटेड है एफ तो आ जाओ इसके बना के देख लो सेंटर में तो ये आपकी मेटल आएगी क्लियर पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ता है भाई स्क्वायर प्लेनर होगा तो ही देगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आपका क्या है डी एस पी टू है तो स्क्वायर प्लेनर ही है अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी थ्री आ जाता तो टेटराइडल हो जाता और टेटराइडल जियोमेट्रिकल आइसोम में नहीं देता है अब हाइब्रिडाइजेशन ये निकालना आपको आने चाहिए देखो तो यहाँ पे लिगेंड हो गया यहाँ पे लिगेंड हो गया यहाँ पे लिगेंड हो गया तो लिगेंड कौन कौन से हैं ए तो मान लो ये ए हो गया ये हो गया फिर लिगेंड कौन सा है बी ये बी हो गया बी हो गया तो सेम लिगेंड एक तरफ है नाइनटी के एंगल पे इसका मतलब ये तो क्या है सिस फिर दूसरे में एम ए ए को यूं ले जाए तो ए ए कितने पे चला गया वन एट्टी पे तो अपोजिट चले गए ना तो ये कौन सा हो गया ट्रांस और कोई हो सकता है नहीं तो कितने होंगे दो तो ज्योमेट्रिकल जियोमेट्रिकलाइसोम इसके होंगे दो हाइब्रिडाइजेशन इंपोर्टेंट है भाई टेटराल जो देखो ना तो एस SP, पी ना एस पी टू ना एस पी थ्री ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे नहीं क्योंकि इनमें सब में बॉन्ड एंगल सेम है इसका मतलब है आप रिलेटिव पोजिशन तो इनकी बदल ही नहीं सकते जब तक बॉन्ड एंगल दो टाइप के नहीं आएंगे ना तब तक आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं ले सकते क्योंकि रिलेटिव पोजिशन बदलनी होती है जब तक उनकी सापेक्ष स्थितियाँ नहीं बदलेंगी मतलब कि एक बार सेम स्थिति में आए और एक बार अपोजिट स्थिति में नहीं आते तब तक ज्यामिति संभव नहीं है मतलब दो प्रकार के बॉन्ड एंगल तो होने ही होने चाहिए तो sp sp2 sp3 तो देगा नहीं अपने सिलेबस में एक तो dsp2 का है वर्ग समतलीय का और एक ऑक्टाहेड्रल का है sp3d2 का ठीक है तो ये इसमें दो हो गए नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके अंदर टोटल आइसोमर्स आपको बताने हैं देखो इसमें ये तो कहा ही नहीं ना कौन से बताने हैं तो सब अप्लाई करके देखो इसमें सब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा dsp2 कोऑर्डिनेशन नंबर चार है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 तो dsp2 वाले कभी भी ऑप्टिकल तो दे नहीं सकते ऑप्टिकल तो सिर्फ या तो टेट्राहेड्रल देंगे जब चारों के चारों लिगेंड लगो या फिर ऑक्टाहेड्रल देंगे क्लियर है उनकी भी अलग-अलग पोजीशन होती है तो ही देंगे है ना अलग रूल होते हैं लेकिन डीएसपी तो बिल्कुल भी नहीं देता क्यों नहीं देता टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑप्टिकल की तो पहली कंडीशन ही यही है तो कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए तो ये तो देगा ही नहीं तो ऑप्टिकल तो गया फिर जियोमेट्रिकल तो जियोमेट्रिकली इसको लिख के देखो ये कैसे लिखा जा रहा है एम ए फोर और ये कैसे लिखा जा रहा है एम बी फोर तो कभी भी इस टाइप के जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं देते एम ए फोर नहीं देता क्योंकि चारो लिगेंड सेम है इसमें भी चारो लिगेंड सेम है मतलब जियोमेट्रिकल भी नहीं देंगे तो स्टीरियो आइसोमर तो ये देंगे नहीं क्लियर है फिर आगे चले स्ट्रक्चरल फिर काउंट यहाँ पे नंबर ऑफ आयन से आपके यहाँ पे देखा जाए तो बाहर आयनाइजेशन स्पेयर है नहीं इसका मतलब आयनाइजेशन भी नहीं देंगे फिर नहीं है मतलब हाइड्रेटेड भी नहीं देंगे दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमर देंगे एक लिंकेज दे सकते थे लेकिन लिंकेज भी कौन देते हैं जिनके पास एम्पीडेंटेड लिगेंड हो तो लिंकेज भी नहीं देंगे तो बात सारी खत्म हो गई अब टोटल पॉसिबिलिटी एक ही बची है वो क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो कोऑर्डिनेशन में क्या होंगे दोनों तरफ के लिगेंड आपस में बदलना शुरू हो जाएंगे क्लियर तो एक चीज आपको सिंपल सी एक ट्रिक देता हूं बहुत शानदार अगर सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो दोनों तरफ ध्यान से सुनना। अगर दोनों तरफ सारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो, और दोनों के सेंटर अलग हो तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होंगे क्लियर और अगर सेंट्रल सेम हो तो टोटल कोऑर्डिनेशन इफ सेंट्रल मेटल आयन डिफर ये तब है जब सेंट्रल मेटल आइन अलग अलग हों जैसे इसमें कॉपर है इसमें प्लेटिनम है फिर आ गया था इफ सेंट्रल आइन सेम है सेंट्रल मेटलाइन इज सेम तो कैसे होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो उसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के आधे तो देखो सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है सेंट्रल मेटल अलग है कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है फोर है तो इसके कोऑर्डिनेशन इस अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप यू कर लो कॉपर है एन एच थ्री फोर प्लेटिनम सी एल फोर क्लियर एक बार खाली पेज पे चलते हैं अपन यह है। पहला तो ये खुद ही हो गया कॉपर है एन एच थ्री फोर पी टी सी एल फोर तो ये प्लस टू माइनस टू एक दूसरा क्या आ जाएगा कोपर एनएस थ्री थ्री एक सी एल इधर आ जाएगी प्लस वन हो जाएगा अभी है प्लेटिनम सी एल थ्री उधर से अमोनिया आ जाएगी एक ये माइनस वन हो जाएगा थर्ड कॉपर एन एच थ्री टू सी एल टू ये जीरो हो जाएगा पी टी सी एल टू एन ये भी जीरो हो जाएगा तो जीरो मतलब भी अगर इन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो दोनों कोऑर्डिनेशन जुड़ेंगे किस बॉन्ड से इसका मतलब ये वाली पॉसिबल है नहीं है फिर आगे चलो थर्ड दोबारा से कॉपर है अब एन एक ही बच जाएगा यहाँ एक और आ जाएगा उधर से ये माइनस वन हो जाएगा आप प्लेटिनम Cl एल एन प्लस वन. और आगे वाले में कॉपर सी एल फोर माइनस टू प्लेटिनम एन एस थ्री फोर प्लस टू तो कितने हो गए टोटल है। फोर दे दिए इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा क्लियर समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एग्जीबिट कि कौन कौन सी आइसोमर दे सकता है तो देखो इसमें एक तो एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया एम्बीडेंटेड लिगेंड आने का मतलब है ये कोऑर्डिनेशन तो दे सकता है सॉरी लिंकेज दे सकता है तो देखो इसमें लिंकेज का नाम ही नहीं है लिंकेज मतलब ये वाली मिल गई एक तो ये सही हो सकता है लिंकेज इसमें है फिर लिंकेज किसमें इसमें है ठीक है तो एक तो कौन सी देगा ये लिंकेज फिर दूसरा बाहर काउंटर आयन है और अंदर भी आयन है अंदर भी होना जरूरी है। तो ऐसे में क्या होगा ये एनओ टू बाहर चला जाए सीएल अंदर आ जाए तो आयनाइजेशन आए दे सकता है ये लो, ऐसे ही आप पूरा करके देख लेते हैं इसको छोटो ठीक है तो आयनाइजेशन आए दे सकता है फिर किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये एम ए फोर बी टू टाइप का है इसी टाइप का है ना देखो चार लिगेंट सेमेट दो लगे तो ये जीआई भी दे सकता है एक सिक्स देगा एक ट्रांस कैसे यूं देख लो आप बी बी ए ए, ए, ए। तो बी नाइनटी बी, के एंगल पे है तो ये तो क्या हो गया सिंह बी, बी चले जाए बी बी ए ए, ए, ए। तो बी, बी कहां चले गए वन एटी के एंगल पे तो ये कैसी होगी ट्रांस हो गई तो ये क्या दे सकता है ये जी आई दे सकता है फिर ऑप्टिकली ये दे नहीं सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट हो जाएगी तो ऑप्टिकली ये देगा नहीं तो कौन सी देगा लिंकेज दे देगा आयनन दे देगा प्रकाशिक नहीं देगा लिंकेज दे देगा ज्यामिति दे देगा प्रकाशिक नहीं देगा ज्यामिति दे देगा प्रकाशिक नहीं देगा दे देगा लिंकेज दे देगा दे देगा और ज्यामिति दे देगा कौन सा आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपको इनमें देखना है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार ठीक है मतलब आपको मिरर आयसोमर चाहिए आपको यहां पे दर्पण प्रतिबिंब रूप चाहिए मतलब ए, आपको यहां पर है, चाहिए इनिश्योम तो बस सिंपल सी चीज है इनको सिंप्लीफाई करके देखो ये पहला कैसा हो गया कॉम्प्लेक्स एम ए फोर बी टू तो इस टाइप के कभी भी ऑक्टिकल आइसोमर नहीं देते इसमें ये कैसा हो गया एम ए सिक्स ये भी एम सिक्स टाइप का हो गया तो सारे सेम हैं तो ये भी नहीं देते यहाँ पे आ जाओ थर्ड वाले में क्या है इसको अगर बनाएंगे तो एम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट को यूं लिखा जाता है दो और ये बी टू मोनोडेंटेड को ऐसे इसी टाइप का तो है ना ये ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंट है इसलिए ए ए टू से और ये बी टू से आपको रिप्रेजेंट यहां पर कर दिया तो देखो ये दे सकता है कैसे आप देख लो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजीशन पे जुड़ते हैं तो सिस पे जोड़ दिया नब्बे के एंगल पे तो बी बी तो सेम है 90 के एंगल पे है सेम लिगेंड इसलिए ये सिस आइसोमर है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है अगर आप यहाँ से काटना चाहोगे तो एक तो ये ऊपर से और एक में ये नीचे से बॉन्डिंग है ये कभी भी एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अपसेंट है पी ओ एस टर जिनमें पीओसेंट होती है वो ऑप्टिकल आइसोमर देते हैं तो इसकी जो मिरर इमेज बनने वाली है ए ए ए ए बी बी वो इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी उठा करके रखो नहीं रख सकते ना तो ठीक है तो ये आपस में कैसे हैं ओ आई है कितने हो गए दो फिर ये तो सिस हो गया इसका ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है तो ट्रांसफॉर्म बनाओ ए ए देखो बाई को मैं हमेशा पे जोड़ूंगा बी, बी अब ये इसमें ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से काट लो चाहे यहां से काट लो ठीक है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है परजेंट है तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो इस पर सुप्रीमपोज हो जाएगी मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है तो ये टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर देगा दो तो अपने को देखना है पेयर दे देता है वो यही देता है फिर आपका ये वही आ गया ये तो गया सॉरी डी एसपी टू हो गया स्क्वायर प्लेनर हो गया ये तो देगा नहीं और ये ऑक्टाइटल देता है लेकिन ए टाइप का हो गया तो ये भी नहीं देगा तो अपना आंसर कौन सा चला गया थर्ड काफी इंपोर्टेंट पार्ट है भाई ये. को अच्छे से पढ़ लेना कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कहने का मतलब स्टीरियो आइसोमरीजम को बहुत अच्छे से देखना है आइसोमरिज्म का पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमर रखता है तो पहला ये आ जाओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई फोर हो गई और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है एस थ्री है टेट्राइडल है तो टेट्राइडल के लिए मैंने पहले कहा था जीआई नहीं देंगे इसके पास आओ इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री है टेट्राइडल है ये भी नहीं देगा अब मेजर करके देख इसके पास आ जाओ बिल्कुल इसमें देखो ए ए ये एन को लिख रहा हूं मैं इसको यूं लिख सकते हैं ना अपन एम ए ए तीन सिमेट्रिकल ए, 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 ए। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कहीं पे भी और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमर देता है दे कहीं से भी इसको बराबर दो पार्ट में नहीं काट सकते प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देता है फिर इसके पास आ जाओ ये किस टाइप का है एम बी टू ए ए टू ये आ गया ना तो देखो इसको भी देख लो ट्रांस बना रहा है तो ट्रांस बना रहा है तो देखो ये तो इन तो आ जाएगी यहां पर और यह इन आ जाएगी आपकी यहां पर क्लियर और यह बी बी कहने का मतलब ई एन ई एन ई एन ई एन, एन और यह आपका H2O एस्टो तो यह रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस के अंदर है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो यह नहीं देगा हां अगर यह सिस होता तो दे देता नेक्स्ट क्वेश्चन पेयर इन विच द पेयर इन विच बोत स्पीसीज है मोमेंट इसमें यह देखना है कि कौन सी है सेम मैग्नेटिक मोवमेंट रखता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम होंगे ना उनका मैग्नेटिक मोवमेंट भी सेम होगा आ जाओ यह आपका क्या है क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल के देख लो प्लस टू में है तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या आ गया सिर्फ डी कॉन्फिगुरेशन लिख रहा हूं ठीक है चलो पूरा है लिख देता हूँ यह आर्गन आ गया थ्री डी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो फोर हो गया ठीक है तो ऐसे सवाल आपको करने हो ना, तो आप सी के पास जाओ सीधे ऑक्टाइडल है ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग कैसे होती है ई जी ऊपर टी टू जी नीचे में कितना है डी फोर वन टू थ्री फोर अब लिगेंड सारे कैसे है? फीक हैं वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगा तो एक दो तीन चार तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया फोर हो गया इसके पास आ जाओ कोबाल्ट के पास तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेज कितना आ रहा है यहाँ प्लस टू आ रहा है सॉल्व करके देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेज तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन थ्री डी सेवन और हाइब्रिडाइजेशन मेजर करेंगे तो ये कैसा है एस पी थ्री है और टेट्राइडल की जो स्प्लिटिंग होती है ना जस्ट उल्टी होती है इसमें e नीचे आ जाता है टी ऊपर चला जाता है तो ये टी चला गया और ये ई नीचे कितना इलेक्ट्रॉन है सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो बनाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थ्री आपको एक ट्रिक और देता हूं अगर वीक फील्ड लिगेंड है ना सारे के सारे ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने फ्री मेटल में होते हैं देखो इसके पास चार थे तो यहाँ पे भी देखो चार ही आए हैं लिगेंड बनाने के बाद में यहाँ पे तीन थे कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में तीन आए मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे वीक फील्ड लिगेंड है ठीक है तो फ्री मेटला के पास जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना ही कॉम्प्लेक्स में होगा फिर आ जाओ इसके पास तो ये तो हो गए आगे वाले, तो इनका तो सेम होगा नहीं पहले वाला तो गया नेक्स्ट के पास ले क्रोमियम प्लस टू में ही है तो इसके पास तो वही अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर सेम है कॉम्प्लेक्स ये रही है। अब इसके पास एफी प्लस सिक्स एफी प्लस टू में प्लस टू में होने का मतलब है, यह आर्गन थ्री डी सिक्स है तो आ जाओ सारे लिगेंट लीक सारे लिगेंड कैसे हैं वीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स फोर आगे ना तो वीक फील्ड में वही होंगे चाहे बना करके देख लो आप की यूं ही होती है ना स्प्लिटिंग कितना इलेक्ट्रॉन बनना है वन टू थ्री फोर क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना वो पेयरिंग एनर्जी से कम है तो पेयरिंग नहीं होगा सब में एक एक अनपेड जाएगा पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए फोर तो यहां पर है, इक्वल हो गया ऐसे आप सबका मेजर करके देख लेना और में होता है या नहीं होता है क्लियर तो आप जब इसको सोल्व करके देखोगे तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे फाइव ठीक है आप कर लेना इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे फोर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी निकाले थे होंगे थ्री और इसके पास अभी निकाले थे फोर तो अपना आंसर कौन सा जाएगा सिर्फ सेकंड जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच वन हैज द हाइएस्ट पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म कौन रखता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो तो आ जाओ निकल निकल में क्या होता है निकल जीरो में जीरो में है तो देखो निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आर्गन थ्री डी एट फोर टू तो इसके अंदर क्या होता है कार्बोनिल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

और स्ट्रॉ फील्ड लिगेंड आ गया आपका यहाँ लेकिन वही आ गया ओक्टाइडल है तो ओक्टाइडल में डी एट आ गया सॉरी आ जाओ, 3D8 में इस लिगेंड का फर्क पड़ता है नहीं चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो ओक्टाइडल में तो थ्री डी एट सीधे इसका कैसे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है तो पेयरिंग कर देगा पहले फिर ये लो तो अनपेड इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने आ गए तो फिर इसके पास आ जाओ इसका एडवर्टाइजेशन आ जाएगा डी एस पी टू निकल प्लस टू में है समझे नहीं समझे निकल किस में प्लस टू में तो ये आर्गन थ्री डी एट फोर एस जीरो तो इसमें क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब एक डी खाली करवाना है स्ट्रॉन्ग है तो डी खाली करवा लेगा इसको यहां भेज देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पर ऐसे इसको सोल्व करके देखना आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा एक। करना आप तो सबसे ज्यादा किस में आ गए इसमें तो ये आपका सबसे ज्यादा पैरामैग अच्छा निम्न निम हाँ बिल्कुल मैग्जिम पैरामैग्नेटिक पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पर ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं का टाइप पूछा है तो देखो इसमें ब्रोमाइड अंदर है, सल्फेट बाहर है। इसमें सल्फेट अंदर आ गया ब्रोमाइड बाहर चला गया। तो हो गया। मतलब कि क्या हो गया हो गया। तो आपका एज्री इन एक्वस मीडियम मतलब आपको यह देखना है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो एक्वस मीडियम में आपका क्या देता है वाइट्रिसिपिटेट देता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी देखते हैं तो देखो हमेशा आ, किसका होता है जो आयन होता है उसका तो इसमें तो बाहर कोई आयन का, है ही नहीं तो ये तो एजीएनओ के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा इसमें आयन कौन है नाइट्रेट है और एजीएनओ थ्री है उसमें भी कौन है नाइट्रेट है एन इसका मतलब यहां पे भी रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर भी काउंटर आयन नहीं है ये भी रिएक्शन नहीं होगी लेकिन यहाँ पे काउंटर आयन क्लोराइड है जब ए जी एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन कराओगे आप तो क्या होगा प्लेटिनम एन एस थ्री फोर यहाँ पे तो आपके नाइट्रेट आ जाएंगे और टू ए जी सी एल आपका यहाँ से निकल जाएगा तो ये आ जाता है वाइट प्रिस्पिटेट क्लियर तो अपना आंसर कौन सा हो गया फोर्थ बिल्कुल सिंपल सा सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कि इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म में लिख लो कैसे, को कैसे लिखते हैं ए कितने टू और ये मोनोडेंटेड अलग टाइप का है तो बी टू इस टाइप का ही तो कॉम्प्लेक्स है तो देख लो पहले तो इसका जियोमेट्रिकल आइसोमर बना लो तो देखो सिमेट्रिकल हमेशा सॉरी बाईड हमेशा कहाँ पर होंगे सिस पोजिशन पे बी बी तो ये तो कौन सा आइसोमर हो गया सिस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या तो देखो आप ना तो इसको यहाँ से इक्वल पार्ट में ना यहाँ से अब आप सोचोगे कि, कि यहाँ इक्वल पार्ट में कट गया लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल है ऊपर की तरफ ये बॉन्ड ऊपर है एक्जियल और ये नीचे की तरफ है तो इसमें सिमेट्रिकल क्या नाम ये लोब नीचे की तरफ है इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब ये मिरर आइस हमारे देगा तो ये ऑप्टिकल आइस हमारे दे रहा है ए ए ए ए ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगी तो ये हो गए ओ आई कितने हो गए वन टू फिर इसका ट्रांसफॉर्म बना लो ट्रांसफॉर्म अगर आप बनाओगे तो यहां पे क्या होगा ए ए हमेशा ध्यान रखना बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजिशन पे ही जुड़ेगा और ये आ गया बी बी तो ये एक ही प्लेन में है और ये प्लेन के ऊपर है ये प्लेन के नीचे तो आप इसको इक्वली टू पार्ट में यहां से डिवाइड कर दो चाहे यहां से डिवाइड कर दो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रजेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रजेंट है तो नो ओ आई तो ये ओ आई नहीं देगा तो टोटल कितने ओ आई हो गए वन टू टू ओ आई पॉसिबल है इसके, right? Next question की तरफ चलते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं इनके लिए आपको ट्रू बताना है कौन सी चीज ट्रू है अच्छा इनकी मैं यहां पे ऑप्शन देखो फिर क्या ट्रू बताना है तो ऑप्शन देखो मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो बिल्कुल आप देख लो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ आ जाओ एफ ही ऑक्सीडेशन स्टेज निकाला तो पता चला कि आयरन किस में है प्लस थ्री में प्लस थ्री का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा ऑर्गन थ्री फाइव फोर एच जीरो तो आ जाओ हमेशा ध्यान रखना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे रहेगा सीएफटी तो ऑक्टाइडल में यूं ही तो होता है ना ई जी टी नीचे और ई ऊपर ये तो ई हो गए ये टी हो गए तो कितना है डी फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव अब आप देखिएगा ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और लिगेंड होने का मतलब पॉसिबल है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो तो कितना है यहां पे वन है बात आ गई समझ में अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है वन है इसका मतलब ये कैसा है पैरामैग्नेटिक है क्लियर फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी इसके तो यहां पे भी आप देखिएगा ए प्लस थ्री में ही है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा लेकिन ये कैसा है वीक और वीक फील्ड फील्ड और होने का मतलब है यहां पर पेयरिंग नहीं होगी तो वन टू थ्री फोर फाइव ये थ्री डी फाइव ओक्टाइडल है वही तो टी टू जी नीचे रहिएगा इजी आपका ऊपर चला जाएगा यह इजी है ये आपका टू जी है, क्लियर तो फाइव इलेक्ट्रॉन तो वीक फील्ड गेंड में क्या होता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन ही जी में एंटर कर जाता है तो तो फोर और फाइव फाइव तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भाई इसका मतलब है ये दोनों के दोनों ही कैसे है पैरामैगनेटिक है तो अपना फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते द कॉम्प्लेक्स ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसके अंदर क्या बताना है एक तो कॉम्प्लेक्स का टाइप की इनर ऑर्बिटल बनेगा या फिर आउटर ऑर्बिटल बनेगा राइट तो देखो कैसे पता चलेगा अगर हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है अगर डी टू एस थ्री आ गया तो यहाँ पे डी कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है एन माइनस वन डी तो ये तो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया एस तो यहाँ पे यह हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये एन डी इन्वॉल्व हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में क्लियर तो आ जाइए कोबाल्ट कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है यहाँ पे प्लस टू में सोल्व करके देख लीजिएगा तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा आर्गन थ्री डी सेवन फोर एस जीरो तो आप ऐसे याद रखो डी फोर से डी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा बाकी अपन यू देख लेते हैं लगा देते हैं अपन तो अपना आपका ई जी तो आपका टी टू जी कितना है थ्री डी सेवन है तो ये क्या है डी एन माइनस वन वाला डी है ये कौन सा है एन माइनस वन डी है तो देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपका ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोराइड तो पेयरिंग नहीं होगा तो एन माइनस वन डी वेकेंट है क्या नहीं है और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है टू और वन थ्री तो ये पैरामैग्नेटिक है एक तो और दूसरी चीज यहां पर क्या है अंदर से कोई भी डी खाली नहीं है तो बाहर से इसको हाइब्रिडाइजेशन में काम में काम लेने का, लेना पड़ेगा तो एस पी थ्री डी टू मतलब कॉम्प्लेक्स और तो पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके यहां पे क्या आ रहे हैं थ्री आ रहे हैं समझ में आए तो अपना आंसर कौन सा हो गया थर्ड हो गया राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ये लो देयर फॉर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट तो आप एक काम कीजिएगा क्लियर अनपेड इलेक्ट्रॉन वन होता है देखो म्यूज क्या होता है N, N plus two, तो होता है ना समझ रहे तो अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो म्यू होगा रूट थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपका टू है तो टू टू फोर देखो आ गया तो टू टू फोर फोर टू जा एट तो रूट एट हो जाएगा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका क्या है थ्री है तो यह आ जाएगा रूट फिफ्टीन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर है तो यह आ जाएगा रूट ट्वेंटी फोर ठीक है अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका फाइव है तो यह आ जाएगा रूट थर्टी फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन सिक्स है तो यह आ जाएगा रूट फोर्टी एट सिक्स और टू एट ठीक है तो ये आपका सिंपल सा है तो आपका क्या आ जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री आगे और देख लीजिएगा इसको अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये वन पॉइंट कुछ मिलेगा ये टू पॉइंट कुछ मिलेगा ये थ्री पॉइंट कुछ मिलेगा ये फोर पॉइंट कुछ मिलेगा ये फाइव पॉइंट कुछ मिलेगा ये सिक्स पॉइंट कुछ मिलेगा तो समझ जाइएगा अगर आपको कहे कि थ्री पॉइंट एट एट एमयू तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो थ्री मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसी का पॉइंटों में कुछ चला जाएगा डेटा ये ट्रिक होती है सीधी है ना तो ये फोर्थ हो गया आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल गिव व्हाइट प्रिस्पिटेट विद बी ए बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रिस्पिटेट तो एक चीज का ध्यान रखें कि आप बेरियम सल्फेट अगर बनता है ना तो ये व्हाइट प्रिस्पिटेट देता है तो देखो किसमें सल्फेट आयन बाहर इसमें तो नाइट्रेट है बाहर तो ये तो नहीं देगा यहां देखिएगा यहां पे जैसे ही आप बी ए सी एल टू लाओगे तो क्या हो जाएगा बी ए फोर बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? सी आर, थ्री, सी और यहां पे भी सी एल टू आ जाइएगा क्लियर इसका ए नाइन इसके साथ और इसका इसके साथ तो ये व्हाइट दे गया तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ये यह। सल्फेट यहां पे भी है लेकिन ये एज ए लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है और कोऑर्डिनेशन स्पेयर का कभी भी आयनाइजेशन नहीं नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा कहीं आप इसमें इसमें सल्फेट है इस स्पेसलट ऐसे फोर्थ के साथ नहीं मत चले जाना ठीक है आपका आंसर कौन सा होगा थर्ड क्योंकि आयनाइजेशन उसी का होता है जो आयनाइजेशन स्पेयर में होता है और वही आयन टेस्ट देंगे जो स्क्वायर ब्रेकेट के बाहर होंगे इसका मतलब अपना आंसर यहां पे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो आ जाइएगा इधर यह किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है एम ए फोर बी टू यह जियोमेट्रिकल देता है क्या बिल्कुल देता है देखिएगा यह आ गया ए ए ए ए बी बी तो देखिए यह कहां पर है ए है, की तरफ है फिर मैं बी को यहां रख देता हूं तो अब बीबी कहाँ आ गए ट्रांस पे आ गए इसका मतलब है ये आपका देगा आगे कौन सा आ गया अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपको नहीं देता क्लियर तो ये तो आपका दे रहा है फिर आ जाइए ये किस टाइप का है एम ए टू बी फोर तो क्या फर्क पड़ गया ये ये सेम ही तो है इसका मतलब जैसे ये दो देगा ये भी देगा तो ये भी दे देगा इसके पास आ जाइएगा यह आपका सिमेट्रिकल है यह बाइडेंटेड कैसा है सिमेट्रिकल कैसे पता चला ऑग्जिलेटो है तो ही तो लिखिएगा इसको तो यहां से डोनेट करता है तो आप देखिएगा इसमें यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है और जिस लिगेंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है तो यह सिमेट्रिकल है तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाइएगा तो ए ए बनाइएगा और आपको पता है बाइडेंटेड हमेशा पोजिशन पे जुड़ते हैं ये जुड़ गया ये जुड़ गया तो सारे लिगेंड डोनर साइड सबसे इसका मतलब ये नहीं देगा तो आपको यही देखना है नहीं देगा इसके पास आ जाइएगा तो ये एम ए थ्री बी थ्री ये आपके दो प्रकार के देगा फेस और मर कैसे आप इसको यूं समझिएगा ए ए ए बी 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 तो अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिएगा एक ही फेस पे आ गए ना एक दूसरे के नजदीक एक ही फेस पे प्रेजेंट हो जाए उसको तो बोलते हैं फेस आई सुमर फेस ये हो गया एक देता है मेरी डायनल तो वो देखिएगा ये ए ए अब इसकी जगह मान लो बी आ जाए और ये बी बी था यहां पे क्या आ जाए ए आ जाए तो आप देखिएगा यहां पे इस फेस पे एक अलग लिगेंड आ गया और ये जो सेम फेस था उस पर अलग लिगेंड आ गया मतलब कि लिगेंड अलग अलग फेस पे चले गए तो इसको आइसोमर बोल देंगे तो आइसोमर देगा ये भी तो अपना आंसर कौन सा है नहीं देने वाला पूछ रहा था तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना थर्ड चला जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन वट इज द सेफ ऑफ एफाइब तो ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया फाइव कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट बना रहा है फाइव बना रहा है इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो डी थ्री या एस पी और दोनों में ही शेप कैसी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्लियर लीनियर तो तब होता जब कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता

आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है क्वेश्चन रीड कर करजिएगा आसानी से बस इसमें यह बताना है किसमें सीएफएससी सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए तो सीएफएससी की ज़्यादा वैल्यू तो बतानी है यहाँ पे तो कैसे बताओगे देखिएगा सीएफएससी होती क्या है जब डी होता है आपका जब इसके पास लिगेंड आता है तो लिगेंड क्या करता है इसके ईजी और टी टू जी को अलग अलग कर देता है ये ईजी और ये आपका टी टू जी और ये इनके बीच का जो गैप है वही तो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी मान लो या यास मान लो मतलब ये है क्लियर तो वीक फील्ड तो क्या करता है स्प्लिटिंग कम करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा करता है मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इनके बीच गैप ज्यादा होगा मतलब सीएफएससी ज्यादा होगी तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी क्वेश्चन आया था याद करो तो वहां पे मैंने एक सीरीज लिखवाई थी क्या सीरीज थी आपकी सबसे पहले तो कौन आया था आयोडाइड फिर इससे स्ट्रॉन्ग कौन है ब्रोमाइड फिर एस फिर क्लोराइड फिर सल्फाइड फिर फ्लोराइड उसके बाद हाइड्रोक्साइड उसके बाद ऑक्जिलेट, उसके बाद एस टू याद आया कुछ फिर क्या लिखवाया था एन सी एस एन सी एस फिर इसके बाद एन ई डी टी ए फिर इसके बाद एन एस थ्री इसके बाद ई एन इसके बाद साइनाइड और सबसे बाद CO. ये तो करवाए थे तो देख लीजिएगा ऑग्जिलेटो से तो आगे आता है एन एस थ्री तो इससे तो ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है ये एन एस थ्री से भी ज्यादा स्ट्रोंग है तो यहां पे देखें तो इसका अगर ऑर्डर देखना चाहिए तो यूं आ गया सी टू ओ फोर फिर इससे स्ट्रॉन्ग कौन है एस टू ओ इससे स्ट्रॉन्ग कौन है एन एस थ्री और इनसे स्ट्रॉन्ग कौन है साइनाइड इनके लिगेंडो को अपने अरेंज कर लिया उस बेस पे तो पता चला सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है ये तो ये स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा देगा तो सी एफ एस इसकी सबसे ज्यादा होगी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल्स विल हैव द स्ट्रोंगेस्ट सीओ बॉन्ड तो देखो कार्बोनाइल हमेशा क्या करते हैं आपके बैक बॉन्ड बना लेते हैं यहां पे क्लियर कैसे जैसे ये मेटल है क्लियर और ये कार्बोनिल कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड होता है यहां तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है देता है कि नहीं देता अब क्या होगा मेटल के जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं इसके पास पाई स्टार वेट होता है कौन सा पाई स्टार वेकेंट होता है तो जनरली क्या होता है ये इधर से इधर की तरफ देता है ये है जनरली क्या होता है लिगेंड लोन पेयर देता है मेटल को लेकिन यहां पे क्या होगा ये बॉन्ड तो हो ही जाएगा इसके अलावा मेटल के जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है वो लिगेंड के पाई स्टार जो वेकेंट है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ शेयर करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं इसको बोलते हैं इसमें डी का और इसका पी का इन्वॉल्व हो रहा है तो पी पाई डी पाई या इससे जा रहा है उधर की तरफ तो यूं बोल सकते हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्ड बन जाएगा और जो लिगेंड ऐसा काम करते हैं उनको पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं तो ये आपका क्या है पाई एसिड लिगेंड क्लियर

बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होती है समझ रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यहां पे ज्यादा हो गई और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली इसका मतलब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा ठीक है तो

तो के में कम होता है तो ये रहा कॉम्प्लेक्स ये अगर आपको पूछता सबसे स्ट्रॉन्ग पूछे ना हाँ बिल्कुल ठीक है आपको ये पूछता सबसे ज्यादा इफेक्ट किस में होगा तो एनाइनिक में होता है तो आंसर फर्स्ट होता आपको कहता सी हो की लेंथ सबसे ज्यादा कहां होगी जिसमें सिनेटिक ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इसी में होती क्लियर और मेटल केयर कार्बन की पूछे जस्ट उल्टा क्योंकि पहले सिंगल था फिर देखो डबल हो गया मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो के आने पर मेटल कार्बन का बॉन्ड बढ़ेगा तो अगर यहां पे वेनेडियम और कार्बन के बॉन्ड की बात करते हैं ना तो यह वाला स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें सिनेर्जी ज्यादा होता तो आप इसको समराइज करके यूं लिख सकते हैं मोर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मोर सिनेर्जिक के इफेक्ट जिक इफेक्ट ज्यादा होगा सीओ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इसके अपोजिट एम सी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बॉन्ड लेंथ डिक्रीज तो आपको क्या देखना है ये बॉन्ड मजबूत चाहिए मतलब बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए कम होना चाहिए कम किस में होता है किस टाइम में होता है ये वो चीज है जो आपके सारे सवाल सोल्व कर देगी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्लियर समझ में आया आगे चलते लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ डी सिक्स इन ओक्टाइडल ऑक्टाइडल में लो स्पिन देखना है किसके लिए डी सिक्स केटाइन के लिए ठीक है तो सी एफ एस पूछ रहा है तो आ जाइए बता देते हैं तो लो स्पिन बनाओ पहले तो वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स तो ये आ गया आपका डी सिक्स कौन सा ये एन माइनस वन होगा ठीक है अब ये ओक्टाइड तो स्प्लिटिंग ही होगी ये तो हो गया आपका ई जी आपका हो गया टी टू जी तो इलेक्ट्रॉन फिल करेगा वन टू थ्री लो स्पिन का मतलब है पेरिंग पॉसिबल Pairing, देखो लो स्पिन तब आता है है जब हो हो जाती है, मतलब फ्री मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा और कॉम्प्लेक्स के पास कम हो तो कॉम्प्लेक्स तो यहां बनाएगा ना तो पेरिंग हो जाएगी पेरिंग हो जाएगी मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां होगा और फिफ्थ यहां होगा तो यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई फोर फ्री मेटल के पास लेकिन कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एक हो गया मतलब लो स्पिन है हाई स्पिन बोलता तो जितने अनपेड ही आए उतने ही यहाँ होते मतलब कि पेरिंग नहीं होती दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते ये ध्यान रखो लो स्पिन का मतलब है पेरिंग पेरिंग पॉसिबल ये लो लो स्पिन का मतलब ये कि पेरिंग यहां पर पॉसिबल है क्लियर तो देखो अब जिसमें सीएफएससी पूछी है पूछिए आपको तो एक बार मैं फंडा बता देता हूं फिर आप याद रखिएगा ये स्प्लिटिंग एनर्जी है अबे इसके ऊपर वाली तो होती है माइनस ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी और नीचे वाली होती है माइन सॉरी प्लस और नीचे वाली माइनस में जीरो पॉइंट फोर ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी तो बस सॉल्व कर दीजिएगा इसको C F C क्या आ जाएगी सी एफ एस होती है माइनस जीरो पॉइंट फोर ऑक्टाइड एनर्जी एन टी टू जी फिर जोड़ दो इसमें एन ई जी प्लस आगे पी एन पी एन पी का मतलब कितने पेयर है जैसे इसमें कितने पेयर है वन टू तो पी तो कितने पेयर एक मिनट डी सिक्स का पूछा है ना सॉरी तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स होंगे ठीक है डी सिक्स का पूछा है ना तो सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है लो स्पीड पूछा था अब आ जाइए सी ए पे सी हो गई तो आ जाओ माइनस जीरो पॉइंट फोर ऑक्टाइडल एन टी टू जी का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कितने सिक्स तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सिक्स से प्लस जीरो पॉइंट सिक्स ऑक्टाइडल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है भाई जीरो एन ई का मतलब है ई में कितना इलेक्ट्रॉन है जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एन पी एन पी एन का मतलब है कितने पेयर हैं वन टू थ्री थ्री पेयर हैं तो ये आ जाएगा थ्री पी तो सोल्व करो कितना आ गया माइनस टू ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस थ्री पी. तो आ जाओ इसको सोल्व करके देखो तो कितना आया ये आया लेकिन यहां पे सिर्फ क्या है थ्री पी आना चाहिए फर्स्ट वाला तो मैच हो गया लेकिन ये नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है हाँ, ये आ गया इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है माइनस टू पॉइंट फोर फिर ये ऑक्टाइडल है ही फिर आपका थ्री पी कौन सा आंसर हो गया सेकंड आंसर हो गया बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये फंड आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन डी फॉर ऑक्टाइडल ऑक्टाइडल ही दिया है और हाई स्पिन दिया है हाई स्पिन वहां होता है जहां पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है हाई स्पिन का मतलब है पेरिंग नॉट पॉसिबल यहां पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है ऑक्टाइडल है तो आ जाइए फिलअप करके देखते हैं वन टू थ्री फोर यह आ गया एन माइनस वन डी कितना है फोर है तो फोर इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर हो गया फोर फिर जैसे लिगेंड पास में आएगा इसकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाएगी यह आपका आ गया टी टू जी या आपका क्या आ गया ई जी फोर इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर पेरिंग हुई नहीं है हाई स्पीड है पेरिंग नहीं होगी सब में एक एक जाएगा पहले ठीक है और फंडा वही ऑक्टाइडल के लिए अपना क्या होता है प्लस जीरो पॉइंट सिक्स ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी एन ई जी प्लस एन पी क्लियर तो आ जाइएगा माइनस जीरो पॉइंट फोर ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें थ्री प्लस जीरो पॉइंट सिक्स ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है वन प्लस ये हो गया जीरो पी तो ये तो गया कोई पेयर नहीं है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है सारे तो गया तो ये कितना जाएगा माइनस वन स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस जीरो पॉइंट स्प्लिटिंग तो ये कितना आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स स्प्लिटिंग एनर्जी कौन सा आंसर है ये वाला पेयरिंग नहीं है ये नहीं होगा ये कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा समझ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाई सी डिलीगेंट तो ये रहा जो सीनर्जी इफेक्ट देता है ना वो पाई सी डिलीगेंट है क्लियर कौन कौन हो सकते हैं सीओ हो गया हो गया समझ रहे हैं ये आपके क्या है पाई एसिड लिगेंड है क्लियर तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा मतलब जो सीनाइडिक इफेक्ट देता है जिसके अंदर बैक बॉन्ड बनता है समझ गए मतलब कि लिगेंड मेटल की ओर तो देता ही है लेकिन मेटल के जो डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं वो लिगेंड को देते हैं मतलब लिगेंड के पास भी वैकेंट होना चाहिए तो ऐसे लिगेंड जिनके पास पाई स्टार वैकेंट होता है तो पाई स्टार वैकेंट साइनाइड के पास भी होता है स्टार वेकेंट आपका किसके पास होता है कार्बोनिल के पास भी होता है तो ये आपके दोनों कैसे माने जाएंगे पाई एसिड लिगेंड नेक्स्ट पाई बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन पाई बॉन्डिंग किसमें पाई बॉन्ड नहीं मिलता ठीक है तो आ जाइए ये आ गया सबसे पहले तो टेट्रा मिथाइल तो सी एच फॉर सॉरी मिथाइल बोल रहा है सी एच थ्री फोर एल तो इसमें क्या होता है लेड के साथ मिथाइल ग्रुप यही तो होता है ना तो पाई कहां है समझ रहे हैं इसका मतलब ये तो गया और यही पूछा है में से किसमें पाई बोर्ड नहीं होता तो आपका आंसर यही हो जाएगा डाइबेंजिन क्रोमियम तो इसमें तो क्या होता है यह आपकी बेन्जिन है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्रोमियम प्लस टू के साथ ही है, होते है। होता है, हैं ये होते है, डोनेट हो रहे हैं। इसका मतलब है। वैसे जैसे सोल्ट में ले लें तो इसमें क्या होता है प्लेटिनम सीएल सी सी अब ये जो इथाइलिन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉनिस को देता है क्लियर बॉन्डिंग के लिए इसका मतलब यहां पर भी है फेरोसिन फेरोसिन में क्या होता है ये लो साइक्लोपेंटा कार्बो इनाइल ये लो ये एपी प्लस टू को अपने पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है तो यहां पे भी पाई बॉन्डिंग है तो कौन से में नहीं है फर्स्ट में तो आंसर कौन सा जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाँ तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच आपको ये बताना है कि कौन सा है जो यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं है आ जाइए पहला कॉपर प्लस टू में मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आर्गन थ्री डी नाइन फोर तो हमेशा ध्यान रखना कॉपर प्लस जब भी कॉन्फिग्रेशन में होगा तो वीक फील्ड लिगेंड तो हमेशा एस पी थ्री है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो आपका डी एस पी टू देगा अब आपको डी में तो वेकेंट है नहीं क्योंकि अगर इसकी मैं बात करूं तो ये यू होगा टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव यू तो होगा ना सिक्स सेवन एट नाइन तो डी तो वेकेंट है ही नहीं तो ये क्या करता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है वो क्या करता है इसको आगे भेज देता है किसमें में, में। क्लियर इस वजह से यहां से ये एक डी क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग तो फीलिंग है और स्क्वायर प्लेनर होगा ये तो करेक्ट मैच है क्लियर फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर है सीओ न्यूट्रल है के? बिल्कुल ये सीओ न्यूट्रल लिगेंड है इसकी बात करें तो यहां जाओ एफ ई सी एन सिक्स माइनस थ्री तो आयरन यहाँ पर प्लस थ्री में है प्लस थ्री में है तो वही आर्गन थ्री डी फाइव आएगा तो आ जाइए सी एफ टी कीजिए वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आ गया थ्री डी फाइव तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा क्या बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के सवाल कर लो तो सी एफ टी अप्लाई करें आसानी से जवाब मिल जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है आपको फाइव तो लिगेंड कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आ जाइए क्या पेरिंग होगी मतलब थ्री, मतलब यहां पे डी वेकेंट है इसलिए डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगा लेकिन इसमें क्या बोल रहा है पी थ्री डी टू इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट रोंग है और रोंग देखना था करेक्ट मैच नहीं है ये सही हो गया क्लियर फिर ये कह रहा है कि ये इन रूल को फॉलो करता है तो देख लेते हैं कोबाल्ट प्लस थ्री में है तो आ जाइए वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? सिंपल सा है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का ट्वेंटी सेवन ऑक्सीडेशन स्टेज माइनस कर दो क्लियर प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड यह बाइडेंटेड लिगेंड है ई एन तो बाइडेंटेड है तो अकेला ही दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऐसे तीन लिगेंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो गए सिक्स तो ट्वेल्व है तो ये हो गया और ये कितना हो गया ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व है कितना आ गया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स किसका है क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर है इसका मतलब ये ई को फॉलो कर रहा है तो अपना आंसर कौन सा आ गया थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको इसमें जियोमेट्री हाइवाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहां पे बताना है तो एक एक को बारी बारी से देख लेते हैं अपन क्लियर तो अपना पहला तो क्या है ये एन आई सी एन फॉर माइनस टू तो निकले यहां किसमें है प्लस टू में है तो प्लस टू में तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आर्गन थ्री डी एट फोर एस जीरो तो आप यहां पे देखिए क्या साइनाइड क्या है फिल लिगेंड मतलब पेयरिंग होगी बिल्कुल तो आ जाइए इसको ओपन फिलअप करके देखते हैं वन टू थ्री फोर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया एट और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है निकल गई यहां पे फोर फोर है तो या तो एस पी थ्री या डी एस पी टू तो देखो स्ट्रॉन्ग है मतलब पेयरिंग पॉसिबल है तो अंदर से एक डी वेकेंट हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा डी एस पी टू अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जीरो तो ये तो सही है और ये हो गया गलत और म्यू कितना आ गया अन इलेक्ट्रॉन जीरो है तो तो पहला तो आ गया डी टू तो फर्स्ट का आंसर तो क्या आ जाएगा डी टू और म्यू क्या आ जाएगा जीरो डीएसपी टू का मतलब है स्क्वायर प्लेनर क्लियर दूसरे के पास चलते पीछे से ले लेते हैं सवाल रहा दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन है तो मैग्नीज किस में है प्लस टू में है कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी कितनी है फोर है तो ये रहा आर्गन थ्री डी फाइव फोर इसको बना के देखें वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव ये तो थ्री डी फाइव फोर एस खाली पड़ा है इसके पास और फोर पी खाली पड़ा है अब आपको पता है ब्रोमाइड क्या है वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं होगा पेयरिंग नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या एस पी थ्री तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो फाइव तो म्यू सॉल्व करके देख लेना कितना आ जाएगा फाइव पॉइंट नाइन टू तो पहले का ये हो गया दूसरे का क्या आ गया एस पी थ्री है और फाइव आ जाएगा 5.92 क्लियर तो ये पहला सवाल हो गया ये दूसरा हो गया अब इसका तीसरा ऑप्शन और देख लो क्या है एफ एफ सिक्स माइनस थ्री थर्ड है -3. तो आप देखो यहां पे ये किस में है एफ प्लस थ्री में है इसका मतलब है आर्गन फॉर में है क्या तो थ्री डी फाइव फोर एस जीरो राइट right? तो आ जाओ ये यहां ये आपका क्या है वीक एंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है सिक्स है सी एफ टी लगा दो वन टू थ्री फोर तो थ्री डी फाइव तो वन टू थ्री फोर फाइव ये लो सी एफ टी लगा दी अपन ने उनमें VBT लगा रहे थे इसमें CFT क्यों लगाई क्योंकि मैंने क्या कहा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो जल्दी आंसर मिलेगा सी से तो फाइव पेयरिंग पॉसिबल है नहीं तो फाइव ये भर दो तो एक भी डी खाली नहीं है तो बाहर से लेना पड़ेगा तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया इसमें फाइव इसका मतलब म्यू आ जाएगा फाइव पॉइंट नाइन टू तो इसको क्या कीजिएगा थर्ड को बोलेंगे अपन एस पी थ्री डी टू टू फाइव पॉइंट नाइन टू राइट right? तो आ जाइए आंसर के पास ऊपर आंसर लिखे हुए हैं ही मैं ये हटा देता हूं ये लो तो अब देख लेते हैं मैंने पहले का तो क्या निकाला है पहला तो ये रहा पहला है डी एस पी टू और मीज क्या है था? जीरो। दूसरा, दूसरा है था SP3 और मीज गाइव पॉइंट नाइन टू तो देखो पहला तो स्क्वायर प्लेनर है तो ये तो गया ये भी गया स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर ठीक है दूसरा टेटराडल बिल्कुल टेटराडल टेटर, एडल, टेटर, एडल, टेटर एडल। तीसरा

विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ओबे ईएन रूल ईएन रूल को कौन सा फॉलो कर रहा है बिल्कुल आ जाइए एक ट्रिक आपको सिंपल सी देते हैं जनरली कार्बोनिल है ना वो हमेशा ईएन रूल को फॉलो करते हैं फिर भी आ जाइए आप यहां पे वेनेडियम है वी क्लियर तो वी है आपका यहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में तो आ जाइए इसके लिए ईए e. निकाले तो कितने नंबर पे आता है 23 पे प्लस कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5, 5, तो 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 इसका कितना कितना गया 33. मतलब ये तो को फॉलो नहीं कर रहा फिर उसमें आ आ जाइए आयरन प्लस में के तो के लिए निकालें, तो EN दूसरे के लिए निकालें दूसरे जाएगा 26 पे आता है दो माइनस कर दो ऑक्सीडेशन तो स्टेज है कितना आ गया? 36. इसका मतलब ये फॉलो करेगा ऐसे इसके लिए मेजर कर लेना तो इसके लिए मेजर करोगे तो अट्ठाईस और बारह कुछ ज्यादा नहीं हो गया चालीस आ जाएगा मतलब ये फॉलो नहीं करेगा इसके पास आ जाइएगा पच्चीस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पच्चीस में से दो गए तो तेईस बारह इसका आ जाएगा ई एन थर्टी फाइव तो ये भी फॉलो नहीं करेगा तो आंसर कौन सा जाएगा अपना सेकंड जाएगा बाकी सबको सोल्व करके देखना ऑप्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका वन मोल ले रहा है और कह रहा है है कि आयन देता ठीक है डिसोसिएशन है। पर जब वोटर में ले जाते हैं तो थ्री मोल आयन देगा वन मॉल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद विदू मॉल्स ऑफ एजीएन थ्री और कह रहा है कि अगर इसका एक मॉल इसके टू मोल से रिएक्शन करता है तो टू मोल एजीसीएल देता है तो कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा तो आ जाइएगा कोबाल्ट ठीक है इसके लिए कोबाल्ट किस में है सोल्व करके देखेंगे तो प्लस थ्री में और जब भी ये प्लस थ्री में होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स तो आ जाइए बनाइएगा कोबाल्ट एनएस थ्री फाइव तो पहले तो न्यूट्रल मोलिक्यूल से आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर बैलेंस और जब न्यूट्रल पूरी नहीं हो तो ए ले लो ले लिया बच के दो सी टू बाहर तो आप देखो एक्वास मीडियम में लेके जाएंगे अगर इसको तो कोबाल्ट एन एस थ्री फाइव सी एल प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस तो नंबर ऑफ आइंस कितने आ गए थर्ड क्लियर अब अगर इसके एक मोल से AgNO3 की रिएक्शन कराऊं तो बिल्कुल AgNO3 के दो मोल चाहिए क्योंकि दो क्लोरीन है बार तो दो मोल चाहिए तो क्या बनेगा यहां पे कोबाल्ट बाल्ट एन एस थ्री फाइव सी एल ये एनओ थ्री टू प्लस टू ए जी सी एल तो अपना आंसर कौन सा है ये रहा क्लियर इससे तो वन मोल ही बनेगा एक ही सी एल बार है अगर इसका एक मॉल लोगे तो इसमें तो बनेगा ही नहीं और इसके ये यह, यहाँ पे ये यह ब्रेकेट बना लेना बीच में स्मॉल है ठीक है फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी कितनी होती है सिक्स होती है लेकिन यहाँ पर तो फोर और फाइव कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव ही दिखा रहा है ये नहीं होगा तो अपना आंसर कौन सा जाएगा फर्स्ट राइट right? समझ में आ रहा है क्या ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इन द कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें एस पी थ्री है तो जियोमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल सिंपल सा क्लियर हाँ ये आपका कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर होता है अगर ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता हो तो वो होता स्क्वायर पिरामिडल फिर और ऐसे में जियोमेट्री कैसी आ जाती सेंटर में तो आपका एस भी एफ, 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 एफ। लेकिन ये अनस्टेबल है इसलिए इस आइवर्डाइजेशन में डीजेड डी, 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 स्क्वायर इन्वॉल्व होता है ये कभी इन्वॉल्व नहीं होता और आपकी जियोमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आंसर आ गया फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ अभी अपने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर सिनेटिक इफेक्ट बढ़ा मतलब बैक बॉन्डिंग की नेचर बढ़ी तो वही तो सिनेटिक इफेक्ट है ना और सिनेटिक इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा समझ रहे हो तो आपको यह कह रहा है किसमें है, जिसमें इफेक्ट मैक्सिमम हो और सीजिक इफेक्ट मैक्स में तो ए ये है एक तो और एक है, तो इस पर ज्यादा ऐसे में, इसमें इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो bond length सबसे ज्यादा होगी अगर पूछता लेंथ सबसे कम कहा है मतलब बॉन्ड सबसे मजबूत कहा है तो कैटाइन वाला आंसर हो जाता समझ रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है नाइट्रिक ऑक्साइड बिहेव एज ये हमेशा पॉजिटिव लिगेंड आयरन के कॉम्प्लेक्स में हमेशा पॉजिटिव लिगेंड होता है और ये इसमें प्लस वन में रहेगा तो ये आपका ये आ गया फर्स्ट आंसर आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज लीस्ट स्टेबिलिटी आपको ये देखना है कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो सबसे कम स्टेबल है कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा एरर आप इसको ठीक कर लीजिएगा टाइपिंग में हो गया ये तो है कोबाल्ट सी एन सिक्स थ्री माइनस इसको आप कर लीजिएगा कोबाल्ट बाल्ट एन थ्री सिक्स टू प्लस यह है आपका कोबाल्ट बाल्ट सी ओ सिक्स थ्री प्लस ठीक है अब तो आ जाइए तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो देखो साइनाइड और कार्बन ये दोनों फील्ड लिगेंड है कंपेयर टू अमोनिया के। क्लियर तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स से तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है ठीक अब इन दोनों में एनएस थ्री है कोई दिक्कत नहीं ये कोबाल्ट आपका यहां प्लस टू में है और ये कोबाल्ट आपका सॉरी ये कोबाल्ट आपका यहाँ पे प्लस थ्री में है और ये कोबाल्ट आपका प्लस टू में है तो हमेशा ध्यान रखना सेंट्रल मेटल लाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा ये क्लियर अगर इन दोनों में अगर पूरे की बात करें अपन तो ये कोबाल्ट किस में है ये भी प्लस थ्री में है और ये कोबाल्ट भी प्लस थ्री में है क्लियर तो इन दोनों में से ये स्ट्री लिगेंड है तो सबसे ज्यादा तो फोर्थ नंबर वाला स्टेबल है फिर उसके बाद में आपका फर्स्ट वाला स्टेबल है फिर आपका थर्ड वाला और सबसे लीस्ट स्टेबल है सेकेंड वाला तो अपना आंसर कौन सा आ गया सेकेंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हो जाता है कई बार टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आप ठीक कर लीजिएगा ठीक मैंने करवा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर वेवलेंथ्स ऑफ एड्सॉपन है इन द विजिबल रीजन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट प्लस थ्री यह कह रहा है कोबाल्ट प्लस थ्री के जो कॉम्प्लेक्स है उनमें जो विजिबल लाइट है आपका वहां से मैक्सिमम वेवलेंथ की कौन ऑब्जर्व करने वाला है ठीक है वो आपको ध्यान रखना है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वो ऑब्जॉर्व किसको करेगा हाई एनर्जी वाली लाइट को और जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी लेमडा कम होती है क्योंकि आपको पता है ई और लेमडा एक दूसरे के क्या होंगे इनवर्सली होंगे क्लियर तो आ जाओ सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है ई फिर इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा है एन और सबसे वीक कौन सा है एच टू ठीक है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा तो लेमड़ा का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा तो एच टू की लेमडा सबसे ज्यादा तो आपको बढ़ता हुआ ऑर्डर बताना है तो एस टू की लेमड़ा सबसे ज्यादा फिर आपकी एन एस थ्री की और सबसे कम लेमड़ा किसकी है एन की तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा फोर्थ चला जाएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट प्लेटिन काम में लिया जाता है भाई रहा प्लेटिनम है, है। तो तो platin और इधर है एन एस थ्री ये एन एस थ्री ये सी एल ये क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग दिच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है आपकी जो मेटल है हाइड्रोकार्बन के कार्बन से सीधी अटैच होगी जिसमें कार्बन पर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा क्लियर तो आ जाइए यहां पे देखा जाए तो ये तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड ही हैं क्योंकि टिन के साथ मिथाइल ग्रुप है वो सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच होगा समझ रहे हैं तो यहां पर तो पाई बॉन्डेड है नहीं तो ये तो गया फिर आ जाइएगा अच्छा नहीं है यही पूछा है अरे कौन सा पाई बॉन्डेड नहीं है तो आपका पहला ही नहीं है बाकी तो आपको इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बनाई थी फेरोसीन। इसके अंदर आपने पहले बनाई थी आपकी ठीक है दो बेन्जिन रिंग के बीच क्रोमियम आ जाता है जिसमें पाई ये देता है जैसे सोल्ट की बनाई थी अपन ने समझ रहे हो तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा फर्स्ट ये तीनों की स्ट्रक्चर में पहले बना चुका हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंस इन इनकरेक्ट देखना है भाई ये बड़ा लोचा होता है अपन क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं तो लोचा हो जाता है जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हो जाता थोड़ा है ना तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना आराम से फिर आता है आपका पहले आ जाओ यह कह रहा है साइनो कोबालमीन में बी ट्वेल्व में आपका कोबाल्ट होता है तो बिल्कुल सही बात है भाई विटामिन जो बी होता है उसमें कोबाल्ट प्लस टू होता है ये तो सही बात हो गई का जो रेड पिगमेंट है वो आयरन की वजह से होता है बिल्कुल सही बात है एफी प्लस टू की वजह से होता है ये कोबाल्ट प्लस टू की वजह से होता है ये भी बात सही है क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट प्लांट्स एंड कंटेन कैल्शियम नहीं भाई ये गलत बात है मैग्नीशियम प्लस टू होता है तीसरी क्लास में पढ़ा था मैंने याद है तो यह आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया और कार्बोक्सी जो एंजाइम होता है उसमें जिंक प्लस टू आइन होता है तो यह बात भी बिल्कुल करेक्ट है तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आ गया यह कह रहा है कि आयरन का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे दिया कार्बोनिल को पहले ऑर्गेनोमेटेलिक में काउंट नहीं करते थे अब इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड माना जाता है और आपको पता है कार्बोनिल पाई एसिड लिगेंड है पाई एसिड लिगेंड का मतलब है कार्बोनिल इसको लोन पेयर देता भी है और इसके फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल से अपने पाई स्टार में लेता भी है तो एक बोर्ड तो सिग्मा हो गया एक पाई हो गया सिग्मा और पाई दोनों करेक्ट रख रहा है बहुत सिनर्जी इफेक्ट नहीं देते क्या कार्बोनिल आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच है पाइबंदी कार्बधात्मिक यौगिकों में इथिन जो होती है इथिन का मतलब ये ये किस में होती है तो आपको पता है जैसे सोल्ट में होती है करवाया था मैंने अभी स्ट्रक्चर जैसे सोल्ट याद आया क्या कुछ ये नीटा टू ये नीटा का मतलब होता है नीटा टू का मतलब है कि आपका पाई बॉन्ड है कितने कार्बन के बीच बट रहा है जैसे ये दो कार्बन के बीच बट रहा था ठीक है तो सी टू टू ये तो होता है ना ये लो फेरोसिन आपका पता है ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था एफ ई ये एफ ई नीटा फाइव सी फाइव एच फाइव याद है ना क्लियर इसकी बात करूं तो ये क्या होता है सी टू एच फाइव फोर टेन ये भी गया फिर आपका क्या हो गया डाइव इंजिन तो ये तो आपका आ गया क्रोमियम्स सी सिक्स एच सिक्स टू ये लो अब बार बार नहीं बताऊंगा भाई ये चीजें याद रखो आप है ना तो कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन ये लो भाई आ जाइए तो इसकी ऑक्स ये थ्री एक पोटेशियम की एक प्लस तीन की तीन प्लस क्रोमियम की एक्स मान लो माइनस ऑक्जिलेट की कितनी होती है माइनस की टू होती है वैसे तो जुड़ रहे हैं प्लस और माइनस माइनस हो गया ऐसे कितने थ्री है तो क्या आ गया और और कोई चार्ज है नहीं तो एक्स गु क्या प्लस थ्री तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है और आपको बताइए बाईडेंड है तो अकेला ही कितने बॉन्ड बनाएगा दो बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे कितने तीन तो थ्री टू ज्या सिक्स सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई सिक्स तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गई सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेज हो गई प्लस थ्री आंसर इज सेकंड ठीक है तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड जो सिनेर्जी की फैक्ट देते हैं वो सिग्मा और पाई रखते हैं पता है ना ये दे भी 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 रहा रहा है, ले रहा है, सिग्मा भी है, और पाई भी है, ले सिग्मा पाई तो बताइए कौन सा आ गया ये रहा, तो आपका थर्ड। ये अमंग ये, ये, ये आपके तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछिए आइएगा खाली पेज पे चलते हैं निकल का कार्बोनिल के साथ है निकल का साइनाइड के साथ है। दोनों कॉम्प्लेक्स कॉम्पलेक्सम कैसे कर दिए भाई इसमें एरर है भाई हाँ ये रहा देखो एक किसके साथ है सी एल फोर के साथ है क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं ठीक कर ले लीजिएगा कोई सा भी है सेकंड वाला सेकंड वाले को मैं बना लेता हूं ये मैंने बना लिया एन आई सी एन एन आई सी एल फॉर माइनस टू क्लियर ताओ सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को खाली सीट पे चलते हैं ठीक है तो पहला तो आपको कैसा दिया है एन आई सी O फॉर ऐसा करते हैं इंक चेंज कर लेते हैं ताकि उधर जाए तो ये दिखे थोड़ा सा ये लो एन आई सी O फॉर तो निकल आपका किस में है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में तो ये क्या आ गया आर्गन थ्री डी एट फोर एस टू तो देखो क्या होगा वन टू थ्री फोर ये तो थ्री डी एट ये फोर एस टू वन टू थ्री ये फोर पी यही होगा ना तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू अब क्या होगा यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एस को खाली करवाने के लिए ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा और इसको यहां भेज देगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा जीरो और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा एस पी थ्री तो एन आई सी ओ फोर इसके लिए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया जीरो तो ये तो हो गया डाई क्लियर दूसरा कॉम्प्लेक्स अपने को कौन सा दे रहा है एन आई सी एल फोर माइनस टू तो ये निकल प्लस टू में है तो आ जाइएगा क्लियर तो आ जाइएगा वन टू थ्री फोर तो थ्री डी एट तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये फोर एस और ये आपका फॉर फॉरपी तो यहां पे देखिएगा ये आपका कैसा है वीक फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दो और हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री तो दूसरे में इसके अंदर है अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे दो इसका मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक और लास्ट आता है आपका एन आई सी एन फोर माइनस टू तो इसमें भी निकल प्लस टू में है तो यह आ जाइएगा आर्गन थ्री डी एट फोर एस जीरो तो इसमें जब बात करेंगे वन टू थ्री फोर ये लीजिए ये फोर पी आ गया ये फोर एस आ गया और ये थ्री डी आपका एट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये ये आपका कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग पॉसिबल ये यहां आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा डी एस पी टू तो इसमें एन आई सी एन फोर माइनस टू इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो और ये कैसा हो गया डायमैग्नेटिक तो पीछे चलते हैं तो देखिएगा सबसे पहले ये तो ये रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो डायमैग्नेटिक बाकी अठा देता हूं अब तो आ जाइएगा यहाँ पे ये कह रहा है ये दोनों डायमैग्नेटिक है देखो तो क्या ये डायमैग्नेटिक है नहीं ये पैरामैग्नेटिक है मतलब ये तो नहीं हो गया फिर ये आपका ये दोनों डायमैग्नेटिक है नहीं ये आपका पैरामैग्नेटिक है साफ साफ दिख रहा है फिर ये और ये डायमैग्नेटिक है बिल्कुल ये भी डायमैग्नेटिक है और वो भी डाई मैग्नेटिक है और इसके लिए पैरामैग्नेटिक है बिल्कुल सही बात तो अपना आंसर कौन सा जाइएगा थर्ड जाइएगा क्लियर तो बहुत शानदार क्वेश्चन होता है बस आप एक एक स्टेप को रूल वाइज फॉलो करते चलो आंसर मिल जाएगा ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है द आईपीएससी नेम ऑफ इसका आईपीएससी नेम बताना है भाई ये कोबाल्ट है इसको ठीक कर लीजिएगा कोबाल्ट एन एच थ्री सिक्स सी एल थ्री ठीक है तो पहले तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा पहले केटाएन, केटाएन ये है और ये एनाइन है अब आपका कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड का नाम हेक्षाएमीन। तो हेक्षाएमीन ये भी है, ये भी है बस ये दो तो गए फिर आगे चलिएगा कैसा है बाहर एनाइन है इसका मतलब केटाइनिक है और केटाइनिक होता है तो कॉमन ही तो इसको तो कोबाल्ट लिखा हुआ है इसको भी कोबाल्ट लिखा हुआ है ठीक है फिर ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल के देखो तो ये प्लस थ्री में ये थ्री है और ये टू है तो ये गया तो थ्री और फिर आगे क्लोराइड है तो फर्स्ट सही हो गया क्लियर बिल्कुल सिंपल सी चीज मतलब आप यहां पे कर सकते हैं एमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन थर्ड है फिर ए नाइन क्लोराइड किस से मैच हो गया पहले से मैच हो गया ऐसे लिख के देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ, तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है कि एक है जिसमें जीरो पॉइंट जीरो तो और उसमें क्या मिला दे इस कॉम्प्लेक्स में तो ए जी एन थ्री मिला दे और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में बी एस एल टू मिला दे तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या कर रहा है पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है कोबाल्ट एन एस थ्री फाइव एसो so, फोर इसको ठीक कर लीजिएगा फोर कर देना बी आर ये लो इसमें क्या मिला दिया आपने AgNO3। एन ओ थ्री तो क्या बनेगा कोबाल्ट बाल एन एस थ्री फाइव फोर एन ओ थ्री बन जाएगा साथ में बन जाएगा ए जी बी आर दूसरे वाले में क्या हो रहा है तो ये तो आपका क्या है वाई पहले वाला ठीक है ए जी एन ओ थ्री का यार ठीक है अब दूसरे वाले की कीजिएगा कोबाल्ट एन एस थ्री फाइव इस बार बी आर अंदर है सल्फेट बाहर है इस पर अटैक करवा दिया बी ए सी एल टू का तो कोबाल्ट एन एस थ्री फाइव बी आर सी एल टू प्लस बी एस तो देखो इसका एक मोल तो सॉरी एक एक ये एक्सेस में लेके चल रहा है ना एक्सेस और ये भी कैसे लेके चल रहा है एक्सेस में देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके वन वन लीटर मिश्रण में क्या मिलाएंगे एक मोल ये एक्सेस में ये मिला दो और इसी में एक्सेस में बी एस एल टू मिला दिया इस दूसरे वाले में ठीक है तो देखो इसमें क्या होगा अगर इसका एक मोल लेके चल रहे हो तो एक मोल ही ये बन रहा है समझ रहे हो ना इस चीज को अब देखो दो लीटर में ये कितना है जीरो पॉइंट जीरो लीटर लिया तो एक लीटर में ये कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो वन मोल तो एक से एक बनता है तो ये जीरो पॉइंट जीरो वन हो गया तो ये भी कितना बनेगा जीरो पॉइंट जीरो वैसे ही यही बात इसके लिए कर ले अपन

तो देखो इसका आपने थोड़ी इसका क्या होता है डी एस पी टू क्यों साइनाइड क्या है लिगेंड है तो वेकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं करवा पाता है निकिल प्लस टू है थ्री डी एट है तो ऐसे में इसका एसपी थ्री और यह हो जाएगा टेट्राइडल फिर आ जाइए इसके पास वीक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग की तरह रिएक्ट करेगा इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2 और इसके पास ये स्ट्रांग फील्ड है ही तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2 क्लियर बिल्कुल सिंपल सी चीजें आप इसको सॉल्व करके देखना तो टेट्राइडल पूछा था तो फोर्थ आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ag+nh3 ये एक दो रिएक्शन है आप ये ये रिएक्शन ठीक है ये दो रिएक्शन है ठीक है इसके लिए आपको दे रखा है इसका, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इसके लिए भी आपका इसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट दे रखा है ठीक है अब यह कह रहा है कि आपको क्या बनाना है यह बनाना है यह कैसे बनेगा इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिएगा जोड़ेंगे तो देखो इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा अब बन गया क्या ए जी प्लस प्लस एन एस थ्री कितने है? एक रेक, दो तो यह बन जाएगा Ag एन एस थ्री टू प्लस इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से ही तो बनाया ना ये तो जब दो रिएक्शन को एड किया जाता है तो उनके कॉन्स्टेंट क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो के इज गएगा के वन इंटू के टू तो इसको सोल्व करोगे आप तो ये 5 कुछ के समथिंग आता है टेन की पावर माइनस सिक्स तो ये तो टेन की पावर सिक्स गया ये गया ये टेन की पावर माइनस सेवन है तो ऑलमोस्ट ये नजदीक आ रहा है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ठीक है आएगा तो फाइव पॉइंट एट थ्री के समथिंग आएगा ठीक है लेकिन आपको बताइए टेन की पावर माइनस सिक्स है तो अप्रोक्स कौन सा आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीसीज है इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और शेप दे रखी थी तो बताओ ये कैसा आया था आपका एसपी थ्री आया था ये कैसा आया था आपका डीएसपी टू आया था और ये कैसा आया था आपका एस पी थ्री आया था इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया था जीरो आया था इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया था एक आया था डीएच दो आए थे और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आया था जीरो आया था सॉल्व करके देख लें तो एस पी थ्री sp3 टू एस पी थ्री थ्री टू थ्री फोर्थ ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है कंपटीशन में ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये सवाल पीछे किया है आप रिवर्स जाके देख लेना मैंने पूरा सोल्व किया इसको ठीक है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन द करेक्ट स्ट्रक्चर ओपे इथाइलिन डाइ एमिन टेट्रा एसेटिक एसिड एसेट। तो आपको ईडी टी याद है क्या उसमें क्या होता है सी एच टू सी एच टू एन एन सी एच टू सी ओ माइनस 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 ठीक है तो एसीटेट होता है एसी को वापस एसिटिक एसिड में बदल दो यहां हाइड्रोजन जोड़ दो क्या हो गया तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा रहा. थर्ड इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन द नंबर ऑफ जियोमेट्रिक दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर ये आपका है एम सारे अलग हैं बी सी और डी तो ये तीन जी आई देता है और ऑल कैसी होती है ट्रांस कैसे आप यूं कर लो एम है ए बी सी डी तो एक काम करो एक को कांस्टेंट मारते हुए बारी बारी से सबको ट्रांस में ले आओ तो एक बार ए के ट्रांस में सी आ जाएगा फिर घुमा दो ए के ट्रांस में बी आ जाएगा फिर घुमा दो ए के ट्रांस में डी आ जाएगा कितनी हो गई तीन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो लिगेंड होते हैं ना जिनमें ठीक है वो हंड्रेड परसेंट आइसोमर देंगे तो आ जाइएगा ये रहा सिस बनाना है इसका तो ये लो सेंटर में तो कोबाल्ट है और ये हमेशा जो बाइडेंटिकल ये कैसा है ये, ये पोजीशन पे जुड़ेगा हमेशा सीएल सीएल सी बनाना था तो इसमें प्लेन सिमेट्री है क्या नहीं है नहीं है ना इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा और आपका कह रहा है कौन सा देगा बिल्कुल ये दे देगा इसके पास आओ ये ट्रांस वाला है तो ट्रांस वाले में देखो ये तो कोबाल्ट है तो आपका ई एन ये ई एन सीएल सी एल तो ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री या इधर से ले लो पीओेंट है ये नहीं देगा इसी प्रकार यह कैसा आ गया एम ए थ्री बी थ्री तो एम ए थ्री बी थ्री कभी भी नहीं देते और यह आ गया एम ए फोर बी टू तो यह भी कभी नहीं देते आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होमो होमोलेप्ट ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन जिसमें कैसा है प्लस थ्री में है विद थ्री मोनोडेंटेड लिगेंड कौन-कौन से है? l1 l2 l3 मतलब पहले कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे l1 है क्योंकि होमोलिप्टिक बोल रहा है दूसरे में सारे l2 है तीसरे में l3 है. तो ये कह रहा है कि ये कौन-कौन सी वेवलेंथ लेंगे अब्सॉर्ब वेवलेंथ इन द रेजिन पहले तो ग्रीन फिर ब्लू और फिर रेड ये बता रहा है वेवलेंथ बता रहा है इसन देखो तो देखो सबसे पहले आओ m+3 l1 वाला है ये कितने मान तो लो 6 तो u मान लो पहले एम एल वन सिक्स प्लस थ्री दूसरा कैसा है एम एल टू सिक्स प्लस थ्री ले लो तीसरा कैसा है एम एल थ्री सिक्स थ्री वाला ठीक है तो पहले वाला तो कौन सी को ऑब्जर्व कर रहा है ग्रीन को दूसरे वाला ऑब्जर्व किसको कर रहा है ब्लू को वेवलेंथ के ऑर्डर हैं ये और तीसरा वाला किसको कर रहा है रेड को क्लियर तो कहने का मतलब है आवाज आओ वि क्लियर तो आप इसमें अगर देखें तो इधर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है डिक्रीज और लेमडा इधर जाते हैं तो होती है इंक्रीज इसको यूं बता देता हूं इधर नीचे एनर्जी तो इधर जाने पर क्या होती है डिक्रीज और लेमडा इधर जाने पर क्या होती है इंक्रीज ये तो आ रहा है ना क्लियर तो देखो एल वन ग्रीन को ले रहा है तो ये तो ले रहा है ग्रीन को तो कौन ले रहा है एल वन फिर ब्लू ब्लू को कौन ले रहा है एल टू फिर ये रेड को कौन ले रहा है एल थ्री तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता देता हूं लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका आ गया सबसे कम लेमडा तो किसकी है एल टू की उससे ज्यादा एल वन की और सबसे ज्यादा एल थ्री की तो एनर्जी का जस्ट उल्टा एनर्जी सबसे ज्यादा एल टू की फिर एल वन की और फिर एल थ्री की कौन सा आंसर है एल टू की सबसे ज्यादा फिर एल वन एल थ्री तो थर्ड आंसर इज करेक्ट लेमड़ा का ऑर्डर निकाल लो उसके बाद में आप कर दो एनर्जी का उल्टा हो जाएगा हाँ, तो एनर्जी का उल्टा हो गया तो एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी किसकी ज्यादा आ रही थी इस ऑर्डर में आ रही थी जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो लिगेंड का ये फिर आपका आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 वन विलकसन कैटलिस्ट इज तो कैटलिस्ट कौन सा होता है आपका आर एच प्लस वन में होता है तो इसमें प्लस वन में है और ये भी प्लस वन में है नहीं उसमें होता है ये आ गया तो आपका आंसर कौन सा है फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच करना है ठीक है चलो आ जाओ कोबाल्ट किसमें होता है विटामिन बी ट्वेल्व में तो ए के लिए तो मैच हो गया थर्ड बी के लिए मैच हो जाएगा जिंक किसमें कार्बोक्सीज तो बी के लिए मैच हो जाएगा फोर्थ सी के लिए मैच हो जाएगा आर एच विलकिस्ट में अभी देखा था तो सी के लिए मैच हो जाएगा फर्स्ट मैग्नीशियम किस में में होता है क्लोरोफिल इसके लिए मैच हो जाएगा सेकंड तो आपका कौन सा है थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड सेकंड तो आंसर इज करेक्ट बिल्कुल सिंपल से है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा फिर अपन बात करते हैं सेवनटी थ्री क्वेश्चन की द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आइन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑफ्टेडल कॉम्प्लेक्स देखो

थ्री डी एट तो ये तो हमेशा ही हाई स्पिन बनाएगा तो इसके लिए तो वो बात अप्लाई होगी ही नहीं तो ये तो गया कोबाल्ट प्लस टू का क्या आ जाएगा आर्गन थ्री डी सेवन तो ये लो स्पिन हाई स्पिन बना सकता है तो आ जाओ वन टू ये लो फॉर एस वन टू थ्री फोर फाइव ये तो आ गया क्या थ्री डी 4s 4p और 4d तो आ जाओ 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर पहले तो लो स्पिन बनाता हूँ। हाई स्पिन बनाता हूँ। तो हाई स्पिन बनाऊंगा वहां पेयरिंग नहीं होगी पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3 किस में हाई स्पिन में क्लियर अब लो स्पिन बनाएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी अंदर से दो वैकेंट खाली करवाने की कोशिश करेगा तो इसको तो यहां भेज देगा और इस इलेक्ट्रॉन को बेच देगा फोर डी में तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा पे हाई स्पिन वो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया एक तो कितने का डिफरेंस है दो का तो आंसर कौन सा आ गया सेकंड मतलब इसमें लो स्पिन बनाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होगा और हाई स्पिन बनाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लियर वैसे ही मैगनीज प्लस टू के लिए देखोगे ना तो अगर हाई बनाएगा, सोल्व करके देख लेना तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पांच होंगे और अगर लो स्पिन बनाएगा तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होगा और इसके लिए भी जीरो के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर और लो स्पिन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जीरो तो सॉल्व करके देख लेना आगे वालों को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं है यह कह रहा है कि कौन से बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण है यह आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक है ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होता है मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड हो उसी के कारण होता है तो यह बॉन्ड और में, में क्या होता है कि मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होता है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव और मेटल पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है लास्ट वाला ध्यान से देना द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयन इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब इन सबके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर है, आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखना है सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का तो मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर जहां जहां एन बढ़ेगी ना वहां मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किससे निकालोगे म्यू से म्यू किससे आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका म्यू ज्यादा आ जाइए फिर पहले मैं बात करता हूं वेनेडियम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में ठीक है तो वेनेडियम प्लस टू है इसको वेकेंट पेज पे चलते हैं खाली पेज पे चलते हैं एक स्लाइड खाली ले लेते हैं तो देखो एक-एक क्वेश्चन लेते हैं पहला ऑप्शन वेनेडियम का है ये है पहला ऑप्शन cn6 और माइनस ठीक है तो यहां आ जाओ इसका वेनेडियम किस में प्लस 2 में प्लस 2 में होने का मतलब है आर्गन स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तो प्लस 2 में इसका मतलब ये आ जाएगा 3d 3 क्लियर थ्री डी थ्री तो थ्री डी थ्री में चाहे हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन से दो खाली चाहिए दो दो पड़े देखो कैसे मैंने क्या कहा था? के लिए हमेशा लगा दो, जल्दी मिल जाएगा कितना वन टू थ्री तो वन टू थ्री क्लियर तो ये लो डी टू एस भी थ्री आए डाइजेशन होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आगे तीन तो प्लस टू के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तीन कॉम्प्लेक्स में पहले कॉम्प्लेक्स की बात करूं टू लिखने का मतलब मैं पहले कॉम्प्लेक्स की बात की है फिर आ जाओ दूसरा कॉम्प्लेक्स किसका है आयरन का दूसरा कॉम्प्लेक्स है एफ ई सी एन सिक्स माइनस फोर तो ये एफ ई प्लस टू में है। मतलब आर्गन थ्री डी सिक्स

दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जीरो क्लियर नेक्स्ट के पास चलते नेक्स्ट कौन सा है आर यू एन एस थ्री सिक्स थ्री प्लस आर यू एन एस थ्री सिक्स फिर क्या है प्लस थ्री तो ये आर यू प्लस थ्री है तो ये आ जाएगा आपका क्रिप्टॉन फोर डी फाइव क्लियर तो आ जाओ वन टू थ्री फोर फाइव तो आ जाओ सी एफ टी अपलाई करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये लो डी टू एसपी थ्री आई अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो थर्ड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ चुका है एक क्लियर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैं मिटा रहा हूं ठीक है अब अपना लास्ट बच गया एक कौन सा बच गया क्रोमियम क्रोमियम में एन एच थ्री सिक्स टू प्लस तो यहां पे क्रोमियम प्लस टू है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आर्गन थ्री डी फोर तो आ जाओ वन टू थ्री फोर सी एफ टी कर दो वन टू थ्री फोर तो डे टू एस पी थ्री क्योंकि तो को पेरिंग हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया दो तो फोर्थ में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया दो तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखें तो सबसे कम तो किसमें आएगा दूसरे में फिर इससे ज्यादा में आएगा तीसरे में फिर इससे ज्यादा में आएगा चौथे में ठीक है फिर इससे ज्यादा में आएगा पहले में तो आ जाओ यहां से अगर देखें तो मैंने पहला तो किसको माना है इसको दूसरा माना है इसको तीसरा माना है इसको और चौथा माना है मैंने इसको सॉल्व करें। तो सबसे ज्यादा दूसरे में मतलब हाँ सबसे कम दूसरे में दूसरे में आयरन में आयरन आयरन सबसे कम सबसे कम किसमें होगा आयरन में तो ये सही है ये सही है ये सही है फिर तीसरे में तीसरा मैंने किसको माना को. तो में है क्रोमियम प्लस थ्री तो इसमें क्रोमियम प्लस थ्री है तो ये भी गया अब बच गया ये सबसे ज्यादा प्लस टू लो अपना आंसर कौन सा गया फोर्थ तो देखो ऐसे अपने केमिस्ट्री पंच का अठारह एपिसोड भी कंप्लीट हो गया जिसमें 75 फाइव क्वेश्चन ने पढ़े और कोशिश है कि इसके अंदर है, पूरा चैप्टर इंक्लूड हो जाए इससे पहले आपको केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के तीन पंच मिल चुके हैं ठीक है एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड हो गया उसको लेके डिप्रेशन में आने का नहीं है अब आपको यहाँ प्रॉफिट मिल जाएगा अपने लेसन थोड़े बढ़े जा रहे थे तो इसमें प्रॉफिट ये रहेगा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉपी पूरा चैप्टर यहाँ रिवाइज हो जाएगा हर क्वेश्चन को आप यहां पर सोल्व करोगे तो कॉपी से लिंक मिल जाएगा आपको ठीक है बस आप बने रहिए सीएलसी के साथ ऐसे ही पंच जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको जेई मेन का और मिल जाएगा एग्जाम अभी दूर है ऐसे पता नहीं और भी आपको बेनिफिट मिलेंगे सीएलसी के साथ जुड़े रहोगे तो ठीक है बस डटे रहिए ओके थैंक यू